जो कि 2015 तक एवरीडे साइंस कहलाती थी, 2015 तक एवरीडे साइंस कहलाती थी, इसी को अब जीएसए कहते हैं, इसी को अब जीएसए कहते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। आपका जो जीएसए है नए कोर्स के मुताबिक इसके 6 सेक्शन हैं, नए कोर्स के मुताबिक इसके 6 सेक्शन हैं। मैं जिस तरतीब में सेक्शंस लिख रहा हूं इसी तरतीब में आपको सिलेबस मिलेगा। आप एक प्रिंट निकाल के अपनी कॉपियों के साथ लगा लेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, कौन सा रहता है या कौन से सेक्शन पे हम, ठीक है। तो आपको इसी तरतीब में सिलेबस मिलेगा। सबसे पहले लिखा होगा फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, देन लिखा होगा बायोलॉजिकल साइंसेस, देन इज एनवायरमेंटल साइंसेस, देन इज फूड साइंसेस, उसके बाद होगा टेली कम्युनिकेशन एंड आईटी, टेली कम्युनिकेशन एंड आईटी, एंड द लास्ट वन इज मैथ या जिसको आप जनरल एबिलिटी कहते हो। ये 6 सेक्शंस हैं जी, ये 6 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में। इसमें से ये वाला मैंने पढ़ाना है, ये मैंने पढ़ाना है और ये मैंने पढ़ाना है आपको, जो मैंने टिक कर दिए जी। ये वाले सेक्शंस मैंने पढ़ाने हैं आपको, बाकी आपको कोई भी दूसरा टीचर पढ़ा देगा जी, राइट। अब इस पे होते हैं जी 4 लेक्चर्स, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं जी सिलेबस अगर एंड ना हो तो। इसी तरह इस पे होता है जी 1 लेक्चर और इस पे होते हैं जी 4 लेक्चर्स, ये मिला के कोई 9 लेक्चर्स बनते हैं मेरे आपके साथ, कोई 9 लेक्चर्स बनते हैं आपके साथ। तो 9 लेक्चर्स का मतलब एकेडमी में होता है 4 साढ़े 4 माह, क्योंकि रोजाना आपके साथ ही तो क्लास नहीं होती ना, आप पता नहीं कब के आए हुए, मैं तो आज मिल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो रोजाना आपको अंदाजा हो गया कि डिफरेंट टाइम टेबल आता है आपको, डिफरेंट टीचर के साथ क्लास होती है, कभी कभार कंडक्टर भी लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 9 लेक्चर्स आपको 4 साढ़े 4 माह इस अरसे में खत्म कराने होते हैं, ठीक है। और गैप भी आ सकता है, कंजेक्टिव भी 1-2 लग सकती हैं क्लासेस। गैप आने की वजह मेरे केस में थोड़ी इसलिए भी है क्योंकि मैंने सारे कैंपसेस में पढ़ाना होता है, पिंडी कैंपसेस भी 2 हैं, रमानाबाद वेस्टेज और इस्लामाबाद के भी सारे कैंपसेस। तो लाहौर कैंपस मैंने इस साल से छोड़ दिया तो उस वजह से थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन गैप तो आता है क्योंकि रोजाना तो मेरे साथ ही क्लास नहीं होगी ना, 100 नंबर ऑफ बैजेस है तो सबको लेके चलना होता है, सिर्फ एक ही बैच को नहीं लेके चल सकते, राइट। ठीक हो गया जी, व्हाई यू लेफ्ट लाहौर, लाहौर यहां से मुझे काफी दूर पड़ता था ना, वीकेंड्स पे जाता था, आई डॉट देयर फॉर 2 इयर्स, लेकिन दूर है ना लाहौर यहां से। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि 9 लेक्चर्स गैप के साथ भी आ सकते हैं। अच्छा, देन कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी मैं कैटर कर दूं, फर्स्ट क्लास है आप लोगों की। तो कैलकुलेटर पे कॉमन क्वेश्चन आ रहा होता है, मैं इसको इधर से इरेज कर रहा हूं, कैलकुलेटर पे कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का जी। मैं पास पेपर्स के मुताबिक बात करूंगा, सीएसएस 16 से शुरू करता हूं, सीएसएस 16, इसमें कैलकुलेटर अलाउड था, सीएसएस 16 कैलकुलेटर अलाउड था। पूरे पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, इस्लामाबाद में मैक्सिमम सेंटर्स बनते हैं, इस्लामाबाद के मैक्सिमम सेंटर्स पे कैलकुलेटर अलाउड था, सीएसएस 16 की बात कर रहा हूं। यानी जो सीएसएस 16 के मेरे स्टूडेंट्स गए एग्जाम देने, उन्होंने वापस आके बताया कि सर हमने कैलकुलेटर यूज किया है, सीएसएस 16 के स्टूडेंट्स की बात कर, राइट।
जबकि सीएसएस 17 वाजे पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, जबकि सीएसएस 18 नॉट अलाउड, सीएसएस 19 नॉट अलाउड, सीएसएस 20 नॉट अलाउड। ठीक हो गया जी। तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि 5 साल के पेपर्स हैं अभी तक आपके पास, अभी तक आपके पास 5 साल के पेपर्स हैं, तो 5 में से सिर्फ एक पेपर में कैलकुलेटर वो अलाउ कर रहा है, कौन सा? सीएसएस 16 के पेपर में। बाकी 4 पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो फिर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं, आप कैलकुलेटर डिपेंडेंट एग्जाम में नहीं जाएंगे, आप कैलकुलेटर डिपेंडेंट एग्जाम में नहीं जाएंगे। हाँ, आई विल रिकमेंड, आप जा रहे हैं 2021 वाले, आप तो 22 वाले हैं मेरे ख्याल, 2022 वाले हो, बहुत दूर है अभी। तो आप इंशाल्लाह जब जाएंगे 2022 में, तो आई विल रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर साथ लेते जाएं, आप कैलकुलेटर साथ लेते जाएं। मैंने वाजे बताया कैलकुलेटर डिपेंडेंट नहीं जाना, वैसे कैलकुलेटर साथ ले जाना ना, उसको कहना जनरल साइंस है, बीच में मैथ भी है, कैलकुलेटर जरूरत पड़ सकता है, अगर अलो कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो वापस ले आइएगा ना कैलकुलेटर, वो आपसे छीनता तो नहीं है, है? बात समझ रहे हो? तो कैलकुलेटर पे अब आपको किसी किस्म का कोई अवाम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, उसको भी बता दूं, उस पर भी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ऑब्जेक्टिव देखें, जब ये ईडीएस थी ना, एवरीडे साइंस 2015 तक 50 एमसीक्यूज आते थे, वाइड पेपर था सीएसएस जिसमें 50 एमसीक्यूज आते थे, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है भाई, 50 एमसीक्यूज नहीं आएंगे अब, अब तो रिड्यूस होके 20 एमसीक्यूज हो गए, जस्ट लाइक योर अदर 10 पेपर्स एक्सक्लूडिंग ऐसे, ऐसे के अलावा बाकी 10 पेपरों में जैसा होता है, जीएसए के पेपर में भी ऐसे ही होगा कि अब 50 एमसीक्यूज नहीं आएंगे, 20 ही आएंगे, लेकिन 20 में फर्दर डिवीजन है कुछ इस तरह से। सीएसएस 16 से शुरू करें, टोटल एमसीक्यूज 20 आए थे, मैथ में से 8 आए थे, जनरल साइंस में से 12 आए थे, तो 12 और 8 20। ठीक है जी। इसी तरह मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, सीएसएस 17 से लेकर सीएसएस 20 तक, सीएसएस 17 से लेकर सीएसएस 20 तक टोटल एमसीक्यूज आए थे 20, मैथ में से आए थे 0, जनरल साइंस में से आए थे 20, 0 और 20 फिर 20। दो एंगल्स हमारे सामने आए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दो एंगल्स हमारे सामने आए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैथ में से एक मरतबा ऑब्जेक्टिव दिए भी, जबकि अगले पेपर्स में नहीं दे रहा। आप जा रहे इंशाल्लाह 2022 के लिए, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि आप, आपको भी वो मैथ में से एमसीक्यूज ना दे, जनरल साइंस में से ही दे, ऐसे ही चले जैसे वो 17, 18, 19, 20 में चला है। लेकिन एहतियातन जब हमने मैथ वाला एरिया पढ़ना है, ये 6th एरिया जब पढ़ना है, तो एहतियातन हम साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पहली क्लास में बताता हूं, तो देखे ना, उसने आपको बहाने ढूंढ ढूंढ के फेल करना होता है, है? आप एहतियातन एमसीक्यूज मैथ के भी करके चले जाएंगे, आल दो मैंने कहा है कि आपके जैसे 17, 18, 19, 20 जनरल साइंस में से एमसीक्यूज दे रहे हैं, आपको भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन एन मुमकिन है वो सीएसएस 16 वाला पैटर्न रिपीट कर दे, क्योंकि सीएसएस 16 का पेपर भी तो न्यू स्कीम का पेपर था ना, पुराना तो नहीं है ना, सीएसएस 16 का पेपर, उसमें मैथ में से 8 एमसीक्यूज आए थे। तो एहतियातन हम मैथ वाले एरिया में से भी पढ़ते हुए साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एहतियात हमने करनी है, एग्जामिनर ने तो आपको फेल करना ही करना होता है, वो तो बैठे ही इसलिए।
भाई 15,000 से 17,000 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 200 पे लेके आना है उसने, किस तरह लेके आएगा वो 15,000 से 200 पे? फेल करेगा तो लाएगा ना, उसका तो काम है फेल करना। आपने फेल होने से बचना है, तो आपने फेल होने से बचना है तो एहतियात भी आपने करनी है। एग्जामिनर नहीं एहतियात करेगा आपकी जगह, बात समझ रहे मेरी? तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलें जी, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस से मतलब, ये मैंने आपको तीन सेक्शंस पे टिक लगवाई थी ना, एक ये और एक ये, तीन सेक्शन जो मैंने पढ़ाने हैं, राइट? अब इसमें से साइंस वाले सिलेबस में एम्बिग्विटी नहीं है, मैथ वाला जो सिलेबस है ना इसमें एम्बिग्विटी है। ये छठे सेक्शन पे भाई, इसके सिलेबस में एम्बिग्विटी मौजूद है, इसके सिलेबस में एम्बिग्विटी मौजूद है। किस तरह? इससे मेरी मुराद ये है, जनरल साइंस में जो टॉपिक्स क्लियर कट लिखे हुए हैं पेपर में वही आते हैं। उसने लिखा है ऑप्टिकल फाइबर पढ़ के आओ, वही आता है पेपर में। उसने लिखा है साइक्लान और टॉर्नेडो और अर्थक्वेक पढ़ के आओ, वही आता है पेपर में। उसने लिखा है केमिकल बॉन्ड्स पढ़ के आओ, वही आता है पेपर में। उसने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग एंड GIS पढ़ के आओ, तो वही आता है पेपर में। यानी टॉपिक्स वाजे लिखे हुए हैं, सेम टू सेम पेपर उन पूछता है। लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन है, जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन है, उसमें टॉपिक्स वाजे कुछ तो लिखे हुए हैं, लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जो वाजे नहीं लिखे लेकिन पास पेपर्स में फिर भी आए हैं, पास पेपर्स में फिर भी आए हैं। मैं आपको CSS के पास पेपर से एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। CSS 16, एक सवाल आया था प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का, आप सिलेबस उठा के देख लें, जनरल साइंस के सिलेबस में एबिलिटी वाले सेक्शन में किसी जगह नहीं लिखा हुआ क्लियर काट के आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए, लेकिन पास पेपर्स में आया है, पास पेपर्स में आया है। ठीक हो गया? इसलिए एहतियातन आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी करने है। चाबी किसकी? मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, ये तो अरुण की है, क्या करना है? ना ना उसकी नहीं दे सकता, वो अरुण की है। अच्छा अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ टॉपिक्स वाजे लिखे हुए, वो तो हमने पढ़ नहीं पढ़ने, लेकिन चंद टॉपिक ऐसे हैं जो वाजे नहीं लिखे हुए लेकिन वो भी आपने पढ़ के जाने, पास पेपर्स में आते हैं। CSS 16 में प्रोबेबिलिटी का सवाल आया, वाजे नहीं लिखा हुआ था लेकिन आया है पेपर में। तो फिर इस एंगल को देखते हुए जिन लोगों को मैंने CSS 17 में भेजा, CSS 18 में भेजा, CSS 19 में भेजा और फाइनली CSS 20 में भेजा, सबको एहतियातन मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता था। ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाता था बल्कि 3-4 टॉपिक्स बेसिक मैथ के और भी हम कर लेते थे, उसका फायदा हुआ। CSS 17 में LCM से रिलेटेड एक सवाल आया, वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स का, ये भी उन टॉपिक्स में से जो वाजे नहीं लिखे हुए थे लेकिन पेपर में आया है। इसी तरह आप लिखें CSS 2020 में 10 मार्क्स का फायदा हुआ, जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ लेते थे बेसिक मैथ के, वाजे नहीं लिखे हुए थे। ये मैं पास पेपर से एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसको मैं कह रहा था मैथ वाले सिलेबस में एम्बिग्विटी है, जनरल साइंस में नहीं है, उससे मेरी मुराद ये थी, बात समझे आप? ठीक हो गया यहां तक? अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर सवाल होता है स्टूडेंट्स का, सर मैथ किस लेवल का आता है, मैथ किस लेवल का आता है? लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन हम इसका स्टार्ट लेंगे। लेवल क्या है मैथ का? लेवल मैट्रिक लेवल का जी, इससे ज्यादा का मैथ नहीं आता,
एट्थ नाइन्थ टेंथ इस लेवल का मैथ है। मैट्रिक तक आप सबने मैथ्स पढ़ी है, मैट्रिक तक आप सबने मैथ्स पढ़ी है भाई। आप जिस मर्जी मीडियम में पढ़ के आए हो, मैट्रिक तक मैथ आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है। पाकिस्तान से ही आए हो ना सारे, पाकिस्तान में जिस मर्जी मीडियम से पढ़ के आओ, मैट्रिक तक मैथ सबको पढ़ाई जाती है, है? तो इससे ज्यादा लेवल का हमें चाहिए ही नहीं, मैट्रिक लेवल का चाहिए। हाँ ये मसला है, हाँ ये मसला है कि बेशतर लोगों ने मैट्रिक के बाद मैथ नहीं पढ़ी, भूली हुई है। भूली हुई का तो इलाज है ना मेरे पास, उसका हल तो मैं निकालूंगा ना। जो भूली हुई है वो याद कराना मेरा काम है, वो तो आपका है, आपका हेडेक ही नहीं है। लेकिन लेवल के वो मैट्रिक से ज्यादा करने है। हमने कॉमन कॉमन चीजें पढ़नी है। बिलखसूस मैं फोकस कर रहा हूं उन लोगों पे जिन्होंने आर्ट्स वाले सोशल साइंसेस वाले मेजॉरिटी होती है क्लास में, या डॉक्टर्स बैठे होंगे चांद एक बायो वाले लोग, तो उन लोगों को मैं बिलखसूस फोकस कर रहा हूं कि ये ना समझो कि सिर्फ मैथ वालों को, कोई इंजीनियर बैठा है उनका किसी हद तक बैकग्राउंड होता है या एमएससी मैथ एमफिल मैथ बैठा है सिर्फ उनको ही समझ आती है, ऐसी बात नहीं है भाई। हमने कौन सी हाई लेवल की मैथ पढ़नी है, कोई इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन पढ़ने लगे हैं जो उनको ज्यादा समझ आ जाएगी तो आपको नहीं आएगी। ये तो हमने बेसिक मैथ पढ़नी है भाई, रेशो पढ़ने, प्रोपोर्शन पढ़ने, इसी तरह हमने परसेंटेजेस पढ़नी है, हैं? वैसे भी कल आप सीएसएस करके लोगों से परसेंटेजेस ही वसूल करते हैं ना, पता तो हो ना परसेंटेज निकालते किस तरह है। तो हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है, कोई हाई लेवल की मैथ हमने पढ़नी है, राइट? अच्छा जी, अब हम यहां से पांच छह सेक्शन में से पहले ये वाला सेक्शन पढ़ने लगे हैं जी, मैथ वाला सेक्शन। ये सेक्शन पहले करेंगे हम, उसकी वजह सिलेबस में तो ये तरतीब इस तरह चल रही है, ये सिलेबस की तरतीब लिखी है मैंने, लेकिन पहले पढ़ाता हूं हमेशा मैथ हूं मैं, इसको शफल कर लेता हूं, यानी आखिरी सेक्शन पहले पढ़ाता हूं। उसकी क्या वजह है जी? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये पहले पांच सेक्शन में से 60% पेपर बनता है और आखिरी एक सेक्शन में से 40% पेपर बनते हैं। पहले पांच सेक्शंस में से 60% पेपर बनता है और आखिरी एक सेक्शन में से 40% पेपर बनता है, यानी मैथ में उसने 40 नंबर पूरे करने होते हैं हर सूरत, 100 में से 40 नंबर मैथ के होते हैं हर सूरत, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के कर ले या सिर्फ सब्जेक्टिव के कर ले, मैथ में से 40 नंबर उसने पूरे करने हैं, ठीक हो गया। और पहले पांच में से 60% 60 मार्क्स का पेपर पहले पांच सेक्शन में से बने, इसका मतलब है ये बड़ा सेक्शन है ना, फिर वेटेज वाइज 40% वेटेज है पेपर में, इसलिए पहले करते हैं, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि मैंने सीएसएस वाले स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख लिया, मुझे कोई पांचवा छठा साल है पढ़ाते हुए, हम नॉर्मली चार माह का कोर्स ऑफर करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीन एक महीने तो रेगुलरली आते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं बस अब हमने जितना एकेडमी ने पढ़ाना था पढ़ा दिया है, तो अब हम सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर मैं इधर से शुरू कर लूं, फिजिकल साइंसेस भी मैंने ही पढ़ानी है, लेकिन अगर इधर से शुरू करूं तो मैं मैथ्स में पहुंचूंगा कहीं आखिर आखिर पर, कहीं फोर्थ मंथ में इसके लेक्चर्स आ रहे होंगे जाके, फिर तो वो जो सेल्फ स्टडी वाले घरों को जाना शुरू हो जाते हैं, फिर उनका तो लॉस हो जाएगा ना, इसलिए मैथ्स वाला सेक्शन पहले कराता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर का पता है मुझे, समझो बात। तीसरी वजह यह भी है कि आर्ट्स वाले क्योंकि मैथ से पहले उनकी जान जाती है, तो इसलिए अगर इसको आखिर पर छोड़ दूंगा वो कहेंगे हमने पांच सेक्शन कर लिए ना, तो एक छोड़ देते हैं ना, कैसे छोड़ देते हैं आप एक सेक्शन छोड़ के 40 नंबर का, तो कितने नंबर ले लेंगे, पहले 100 में से आप 35 और 40 नंबर ले रहे होते हैं ऑन द एवरेज, तो 40 नंबर का छोड़ के जाएंगे तो फिर तो 10 ही नंबर आएंगे आपके, है, इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते। और अब हम मैथ वाला सेक्शन शुरू करेंगे, यानी सिक्स वन जो सेक्शन है ये हम शुरू करेंगे, तो आप लिख लें जी, मैथ्स वाला सेक्शन जो सिक्स वन है, जनरल एबिलिटीज जिसको कह रहे हैं आप, इसको हम पहले कर रहे हैं। मैंने वजूहात बता दी आपको कि पहले क्यों कर रहे हैं इसको, ठीक है जी।
अच्छा डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं ले जाऊंगा, पहली क्लास है, पहली क्लास है, डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैंने उन लोगों को साथ लेके चलना होता है जिन लोगों का बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है मैथ का, उनको मैंने साथ लेके चलना है, सिर्फ मैं मैथ वालों को नहीं पढ़ा रहा, ये भी ध्यान में रखें। पहले कुछ बेसिक मिस्टेक्स शेयर करूंगा, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स शेयर करूंगा ताकि उससे आप फेमिलियर हो, फिर हम टॉपिक पर जाएंगे। भाई हम जोन सा भी टॉपिक पढ़े मैथ का, हर टॉपिक में कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ती है ना, तो कैलकुलेशन करोगे ये छोटी छोटी गलतियां करते हो तो पूरा सवाल गलत करके आ जाते हो, तो उस टॉपिक को पढ़ने का क्या फायदा है फिर। तो पहले तो वो बेसिक मिस्टेक्स शेयर करते ना ताकि वो बेसिक मिस्टेक्स हमसे ना हो, फिर जाएंगे ना डायरेक्ट टॉपिक पर। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसलिए कोई आधा घंटा या 40 मिनट लग सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स पर चलाऊंगा। मुझे पता है एक आम स्टूडेंट आम मिस्टेक्स करता है, तो पहले वो मिस्टेक्स हम शेयर करेंगे, वो मिस्टेक्स देखेंगे ताकि उन मिस्टेक्स से हमारा वास्ता पड़े तो वो कैलकुलेशन में हमसे ना हो, उन मिस्टेक्स से बचाना मकसद है। तो पहले ये बेसिक आप लिख ले, आप लिख लो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स इसमें सबसे पहले आप लिख लें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है जी? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ब्रैकेट्स, इन सब को मिलाकर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं ना, इन सब को मिलाकर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं ना भाई, इन सब को मिलाकर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इस सब एडिंग का मकसद क्या है देखना इधर जरा, मैं आपको यूं लिख दू ना, 2 + 2 × 2, आप इधर से शुरू हो जाते हो 2 + 2 = 4 × 2 = 8, बजाहर तो गलती नहीं लगती लेकिन फिर भी गलत है। क्यों? अगर मैं आपको स्कूल वाला टीचर याद कराऊं ना, कहता था यार डीमैथ्स लिख लिया करो, हैं डीमैथ्स लिख लिया करो, या कुछ कहते थे बट मैथ्स लिख लिया करो, और याद रखने का तरीका होता था, कोई फार्मूला तो नहीं था, मतलब पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इधर आपने क्या किया, पहले एडिशन कर डाली, हालांकि देखें एडिशन तो बाद में आ रही थी, पहले मल्टीप्लीकेशन थी, तो पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करनी चाहिए, फिर 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप आगे हम जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हर टॉपिक में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, हर सवाल में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कहीं भी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़े आपका, तो आपको पता हो यार पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर सॉल्व करना होता है। एक छोटी सी मिसाल लिख लो जरा ताकि इसका कॉन्सेप्ट मैं और वाजे कर दू, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपसे यूज करवा लू जरा। आप लिखें 2 + 3 × 2 / 2 + 5 - 7, अच्छा जी मैं तो इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ठीक है। पहले किसको सॉल्व करना चाहिए भाई? ब्रैकेट को, ये लिखा हुआ ना डीमैस या बट मैस, तो बाकी इसी तरह चलाओ ना फिर साथ साथ, 2 + 3 × 2 / 2 - 5 - 7 = -2। और भाई 7 में से 5 माइनस किया, बस बड़ी रकम के साथ जो साइन था वो लगाया, ठीक हो गया। अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं 2 + 3 × 2 / 2 + −2, ठीक हो गया। अब किसका नंबर है भाई? डिवीजन का, ये देखो ना बट मैथ सामने लिखा हुआ, तो बाकी इसी तरह चलाओ ना 2 + 3 × 2 / 2 = −2। अब किसका नंबर है? मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लें जी, ये मल्टीप्लीकेशन
तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2, ये कट जाएगा इज इक्वल टू 3, तो 3 इज द आंसर। छोटा सा सवाल हल करने का मकसद क्या था, मकसद ये सीखना था, आपको ये रिकॉल कराना था कि आइंदा हम आगे मैथ के जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, जनरल एबिलिटी के जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ बीच में कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है ना हर सवाल में, तो कैलकुलेशन करते हुए अगर कहीं ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़े तो आपके जहन में हो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की ये तरतीब होती है। और ख्याल करना उधर ना लिखा ना पेपर में, मैं पहले भी मॉक एग्जाम में कहीं देख चुका सारे अकॉर्डिंग टू बट मैथ, व्हाट इज बट मैथ, बट मैथ इज नॉट अ मैथमेटिकल फार्मूला, पेपर में किस लिए लिखते हो अकॉर्डिंग टू बट मैथ, ये तो आपको याद रखने के लिए बताया जाता है, पेपर में मत लिखो बट मैथ, ये कोई यूनिवर्सल फार्मूला थोड़ी। तो इस सब एडिंग का मकसद क्लियर हुआ, आइंदा आपकी ये कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, जो जोन सा भी टॉपिक कर रहे हो हम सवाल जब हल करें, ये कैलकुलेशन में गलती ना हो। सेकंड सब एडिंग लिखो, मेन एडिंग हुई चल रही है, सब एडिंग आप एक और लिख लीजिए, उसमें भी गलती होती है, उस गलती से भी बचना है। तो आप लिखें डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर्स, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन, इसमें भी गलती होती है, उस गलती से भी बचना है जी। इसको भी देख लेते हैं जरा, डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर्स, लिख लिए सब एडिंग। अच्छा अब पहले 4 नंबर्स की जरा बात करते हैं ना, मेरे पास कोई से 4 नंबर हो, ए बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी बाय डी, ये 4 नंबर है, कोई से 4 रकमें होना, इसको यू टैकल करना, ए बाय बी ये जो नीचे है इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल कर रकम पलट देते हैं सी बाय डी, तो डी बाय सी कर देना। अब यहां फिर कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ए को सी से मल्टीप्लाई किया होता है, बी को डी के साथ, मैं पूछता हूं क्यों, सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करो ए डी, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो बी सी, और क्रॉस तो तब होता है भाई बीच में इक्वल हो जाए, यू ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हो, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको ना क्रॉस करना, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है भाई। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दू, फॉर एग्जाम्पल देखो 2/3 ऊपर 4/7 कहीं भी लिखा हुआ आ सकता है ना आपके पास, अच्छा आ जाए तो क्या करोगे, 2/3 इसको मल्टीप्लीकेशन में बदल देना ना, 4/7 है तो 7/4 नहीं यार, आज क्या करें, मल्टीप्लीकेशन में बदल के रकम पलट देते हैं, यही बोला ना, आप सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, 2 को 7 से 4 डिवाइड बाय 12 दैट इज 7/6। अगले हफ्ते ना जो लू, हाँ जी ये पॉइंट समझे आपके, कहीं भी कैलकुलेशन में 4 नंबर्स की डिवीजन आ रही हो तो तेरा मूड बढ़ता नहीं करूंगा, लोगे अब ये गलती ना हो आपसे, ठीक हो गया। इसी तरह जरा 3 नंबर्स की डिवीजन, नहीं मेरा पेपर 3 नंबर्स की डिवीजन इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, देखो 3 नंबर से मेरी ये मुराद ए बाय बी होल डिवाइड बाय सी, मैथ का बैकग्राउंड है जिनका, वो तो डायरेक्ट नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देते, मतलब जिनको अगर डायरेक्ट नहीं समझ आती तो वो यूं कर लेना, ए बाय बी होल डिवाइड बाय सी है, इसके नीचे 1 से डिवाइड कर लो ना, 1 से डिवाइड कर लो, 1 से डिवाइड कर लो, 4 रकमें बन जाएंगे, 4 रकमों को अभी सीखा है हमने, ए बाय बी सी बाय 1 है तो 1/c कर लेना ना, वो इनिशियल से टू क्वेश्चन करो ए को 1 के साथ, इंटेलिजेंस वो इन्हीं आ गया जो पहले डायरेक्ट लिखते, इंटेलिजेंस फेल, ये मेरी बुरी खत्म उठा मैंने, ठीक हो गया जी। ते आप मुझे बताओ कि रिजल्ट 15 की बात, ये सेकंड सब एडिंग की समझ आई है कि कहीं भी कैलकुलेशन में ऐसी सिचुएशन पड़े तो आप गलती नहीं करेंगे इसमें, अब बुक पढ़ा। नेक्स्ट एक और सब एडिंग लिखें भाई, मेन एडिंग तो यही चल रही है, सब एडिंग एक और लिखो, सब एडिंग एक और लिखो, उसमें भी गलतियां करते हैं, पावर्स आप लिख लें, पावर्स यू लिख लें, पावर्स तकरीबन आ रहा नहीं, एमसीक्यूज ही लिख के आया, ठीक है इंशाल्लाह।
मल्टीप्लीकेशन एन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड थोड़ी पावर्स आर एडेड यार लेफ्ट हैंड पोस्ट है व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड अप मेरी इंजीनियर देयर फाइजा मुनीर किधर रिपीट कर दूं मैं अब इंशाल्लाह ये था ना मैंने इस तरह बोला नहीं यार वो बस मतलब यूं लिखो ना टू बाय थ्री त्रैनी थी जैसे ऊपर फोर लिख दे यूं तीन रकमें हो ना तो ये जो रकमें नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आपको नहीं समझ आता तो नीचे फोर के नीचे वन से डिवाइड कर लो चार रकमें बन जाएंगे ना चार रकमों को टैकल करना भी सीख है टू बाय थ्री मल्टीप्लाइड फोर बाय वन था ना मल्टीप्लीकेशन बदल के रकम पलट देते ना यही सीखा था ना टू बाय हाँ तकरीबन ना काटो तो 15 तो बीच रुक गया चौदह ये मेरी मुराद है हाँ तो ढेर सारे प्रोफेशनल है ना ये तो कहीं सिर्फ इंजीनियर है ना जी फाइजर मुनीर समझ आई है पंजा थे उसन वरना फिर नहीं ओ इंजीनियर दरिया का सामना था मुनीर मुझे अच्छा एजुकेशन ब्रांच लाया हूँ नहीं बाहर उतरा तो मैंने अच्छा ते हाँ हर किस मुख्तलि सीट ये पॉइंट लिखा अब अब इस पॉइंट को समझ लेते ना बहु सीन है इतना भी व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड अप व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड अप मिसाल के तौर एक्स इसके ऊपर ए इधर एक्स इसके ऊपर पावर बी क्लास में तो कोई कहना ये जो नीचे है ना इसको बेस कहते हैं ये जो ऊपर है इसको पावर पता है वो क्लास जो ग्रुप में से कितना है ते दे मैं कोई नहीं आया ठीक है हां मैं उठूं अप्लाई कितना मीठा में ये जो नीचे है ये बेस है ऊपर ये पावर है ठीक है मैंने कहा व्हेन बेस इज द सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड अप इनको सिंगल में लिखना एक्स की पावर में ए प्लस बी लिखेंगे पावर्स को ऐड कर देते हैं मैं एक और एग्जांपल देता हूं देखना इधर जरा एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर टू एक्स की पावर फाइव देखो बेस सेम है ना बेस सेम है ना भाई मल्टीप्लीकेशन में है ना पावर सिंगल में लिखना हो तो पावर एड करके लिख देते हैं एक्स की पावर तीन और दो पांच और एक्स की पावर टू इस पॉइंट से ये मेरी ये मुराद है वैसे सेम हो उनको सिंगल में लिखना है तो पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं जैसा कि ये यहां मैं एक और कॉमन मिस्टेक देखता हूँ स्टूडेंट देखना जी यूं कर लेता हूँ ना कभी मैं कह दूं जी एक्स की पावर टू वाई की पावर थ्री मैं यूं लिख दूं ना इसको भी जमा करके ले आते इसको भी जमा करके ले आते मैं अगर यूं लिख दूं ना एक्स की पावर थ्री वाई की पावर एक्स की पावर टू वाई की पावर थ्री भाई इधर इसको किस लिए जमा करते हो मैंने वाजर रूल लिखा है व्हेन बेसिस आर सेम ऑनली देन पावर्स आर एडेड अप इधर क्या बेसिस सेम है एक एक्स है एक वाई है फिर किस लिए जमा करते हो फिर अगला सवाल होता है स्टूडेंट सर फिर इसको किस तरह हल करें आप इसको ना हल करें रहने दें मेरे के तो क्या कहती जो चीज हल ना होती हो तो जबरदस्ती हल करनी है आपने छोड़ दो ना इसी तरह एक्स की पावर टू वाई की पावर थ्री कहा जो है जब बेस सेम है तो तब पावर ऐड करना क्या इज इट क्लियर ये पॉइंट समझे आप वाह ओके जी oh, देखें आपकी सब एडिंग नंबर थ्री चल रही है मैंने सब एडिंग नहीं बदली अभी पॉइंट नंबर वन लिखा है इसी में पॉइंट नंबर टू लिखो इसमें ही आगे पॉइंट नंबर टू लिखो सब एडिंग ना बदलना भाई सब एडिंग तो नहीं चाहिए ना अभी पावर्स वाली इसमें पॉइंट नंबर टू कर लें आप लिख लें देन फैमिली मैन हो न्यूमिरेटर मतलब है भाई डन इज शिफ्टेड
टू डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा, छोटी सी फैमिली एंड वाइस वर्सा. साइंस ऑफ द पावर्स आर चेंज, साइंस ऑफ द पावर्स आर, ओ पहले पहले पढ़ी तो मुश्किल सब्जेक्ट. साइंस ऑफ द पावर्स आर ओनली मोटिवेशन एंड मरे ना बहुत जरा पढ़े ना सिकंदर करंट अफेयर. थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ, मैं जिधर तक बोर्ड पे लिख रहा हूँ साइमा वहां तक तो ठीक है ना बोर्ड यार, और नीचे क्या देख रहे हैं आप? इससे नीचे तो स्विच ही लगा हुआ है. करंट अफेयर का चीज है, पहले जरा कुछ थी चुके वही पढ़े बुने. पाकिस्तान अफेयर अल्लाह माफ करे. ठीक है टीचर दिन हेडिंग शेडिंग पढ़ा देने मतलब जिस लाइन से ठीक है और डाटा क्या लिखू मैं डाटा ओके लिखू बस मैं यहाँ तक वो स्क्रीन यूज कर रहा हूँ मैं सामने रखता हूँ वो दिन पढ़ो तो बुक कहीं पढ़ो तो आप वहाँ पे आवे सी डाटा. अच्छा मैं के ये दो बुक साल इतना है कि तो मैं और ऊपर टॉप राइट साइड तो मैं यूज ही नहीं कर रहा उधर रिफ्लेक्शन हो रही है ना वो ही है ना पाकिस्तान फिर जन वो आने वाइडेबल है प्रेसिजन कंपोजिशन मैंने ट्राई की इसको खत्म करने के लेकिन ये वो फिर मैं यूज नहीं कर रहा ना बाकी चीजें देख ले ये रिफ्लेक्शन वाली जगह मैं यूज ही नहीं कर वो मेरे चेहरे की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना मैं क्या करूं. ठीक है अच्छा अब पॉइंट लिखा है आपने मैं समझा दूं एग्जांपल से देखिएगा इधर जरा मैं कहता हूं लेट से एक्स की पावर माइनस टू इधर वाई की पावर थ्री ये जो डिवीजन से ऊपर है ना इसको न्यूमिरेटर कहते हैं और ये जो डिवीजन से नीचे है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं. मैंने बोला व्हेन न्यूमिरेटर इज शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर आर डिनोमिनेटर इज शिफ्टेड टू न्यूमिरेटर यानी न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ. अब समझते हैं आप न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर में किसको बोल रहे हो. When numerator is shifted to denominator, our denominator is shifted to numerator. फिर क्या करना है जी साइंस ऑफ द पावर्स आर चेंज ये मुराद है इससे. मैं चाहता हूँ यार ये न्यूमिरेटर को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊं एक्स की पावर प्लस टू कर दूंगा माइनस टू था ना पावर का साइन चेंज करूंगा ये वाई की पावर थ्री है ऊपर ले आओ तो वाई की पावर माइनस थ्री ये मेरी मुराद है इस पॉइंट से. ये मेरी मुराद है इस पॉइंट से कि जब न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे या डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में लेके जाओगे पावर का साइन चेंज कर देना. ठीक हो गया. अच्छा ये करने की जरूरत ही क्या हमें किस लिए शिफ्ट कर रहे हैं न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है कहीं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं आंसर को कहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ जाता है जब भी आंसर को कहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़े तो हमें न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में शिफ्ट करना पड़ता है. तो वहां जब आप शिफ्टिंग करोगे तो मर्जी से नहीं कर सकते आप शिफ्ट करोगे तो पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा यानी पॉजिटिव पावर तो नेगेटिव नेगेटिव पावर तो पॉजिटिव समझो ये पॉइंट जी. सब एडिंग ना बदलना सब एडिंग तो वही चल रही है. इसी में पॉइंट नंबर थ्री लिख लें आप एक और पॉइंट नंबर थ्री लिख लें उसमें भी गलती होती है उस गलती से भी हम बचना चाहते हैं. पॉइंट नंबर थ्री कर लें एक्स के ऊपर ये वाला साइन हो ना तो इसको लिखना एक्स की पावर में वन बाय टू स्केयर रूट स्केयर रूट स्केयर रूट इसलिए इधर बता रहा हूं क्योंकि मैं सब एडिंग डिस्कस कर रहा हूं पावर्स वाली तो स्केयर रूट भी तो पावर में लिखा जाता है ना वन बाय टू इसलिए इधर ही बता रहा हूं. ठीक हो गया. और एक और लिख लें पॉइंट पावर आना पावर पावर आना पावर पावर्स आर मल्टीप्लाइड पावर्स आर मल्टीप्लाइड पावर आना पावर पावर्स आर मल्टीप्लाइड क्या मतलब देखना इधर x की पावर टू हो ना ऊपर पावर थ्री हो पावर के ऊपर पावर जिसको
सिंप्लीफाई करके लिखना है पावर आर मल्टीप्लाइड, तो एक्स की पावर 2 × 3 = 6। ये मेरी मुराद है जी, इस पॉइंट से मेरी ये मुराद है। पावर के ऊपर पावर, पावर आर मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर, पावर आर मल्टीप्लाइड। लेकिन एक बात का ख्याल करो इधर, ये विद ब्रैकेट में कह रहा हूं, विदाउट ब्रैकेट का कुछ और मतलब होता है। देखो इधर 2 की पावर 3 लिखा हुआ हो ना, इसका तो कुछ और मतलब है बगैर ब्रैकेट। इसका मतलब है 2 को आपस में 3 दफा जरूर दे दो, ये 2 × 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 8। ये और चीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप सब एडिंग देखें, अभी तक हमने और एग्जांपल क्या है जी, ये देखना, ये लिखो y की पावर 3 ऊपर पावर 4 लिख दूं मैं, पावर के ऊपर पावर है तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके पावर के ऊपर पावर, 3 × 4 = 12, y की पावर 12 लिख दें, y की पावर 12 लिख दें। अच्छा जी, अब आप जरा देखें, आपके पास पॉइंट सब एडिंग नंबर 3 चल रही थी, सब एडिंग नंबर 3 चल रही थी, अब एक सब एडिंग और लिखेंगे, पॉइंट्स आगे चाह रहे हैं उसके, सब एडिंग तो तीसरी चल रही थी, चौथी सब एडिंग लिखो अब, उसमें भी गलतियां होती हैं तो उस गलती से भी बचना है हमने। फोर्थ वन सब एडिंग कर लो आप लिख लें फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इसका भी पता, फ्रैक्शंस इधर जमान, अब तो पॉइंट नंबर 3 गया, कौन सा पॉइंट नंबर 3 कह रही थी, कौन सा कह रहे थे इधर, स्केयर रूट वाला, एक्स के ऊपर स्केयर रूट लिखा हो ना, स्केयर रूट की जगह आपने 1/2 पावर में लिखना होता है, दैट इज सिंपल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये रिपीट रिपीट का काम भी नहीं करना, आपकी पहली क्लास है ना, जरा ये भी ख्याल करना है, एक मरतबा ही सुना करो, दो मरतबा में रिपीट नहीं करना, मैं बहुत स्लो चलता हूं और स्लो पढ़ाता हूं है, ताकि आप साथ साथ पिक कर सकें, तो रिपीट वाला काम ना करना, जो रिपीट कहेगा वो पहले 1-1 किलो बादाम भिजवाएगा मेरे लिए इस्लामाबाद, मैं बादाम खा के तो नहीं ना आता रिपीट करते है। अच्छा फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस व्हाट आर फ्रैक्शंस, व्हाट आर फ्रैक्शंस, देखें जी मैथमेटिकली फ्रैक्शंस तो हम इसको कहते हैं 1/2, 1/3, 1/4, दीज आर मैथमेटिकल फ्रैक्शंस, मतलब नंबर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हो। अब आप समझते हैं यार न्यूमिरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, मैंने अभी बताया ना न्यूमिरेटर क्या और डिनोमिनेटर क्या है भाई, तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हों हम कहेंगे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन मैथमेटिकली, तो ये मतलब फिजिकली क्या मतलब है, फिजिकली ये मतलब है 1/2 मींस एक चीज के दो बराबर हिस्से, 1/2 मींस एक चीज के दो बराबर हिस्से, 1/3 मींस एक चीज के 3 बराबर हिस्से। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो इधर 1/2 एक चीज के दो बराबर हिस्से, जैसे मेरे पास ये कोई बॉक्स है ना, 1/2 मीन्स एक चीज के दो बराबर हिस्से, मतलब एक ही बॉक्स के दो बराबर हिस्से, 1/2, 1/3 कहता हूं, एक ही चीज के 3 बराबर हिस्से, यही बॉक्स है, यही बॉक्स है, एक ही बॉक्स के 3 बराबर हिस्से कर दो, फिजिकली तो ये मतलब है, फिर 1/3, 1/3, 1/3, 1/4 एक ही चीज के 4 बराबर हिस्से, मतलब एक ही बॉक्स के 4 बराबर हिस्से, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आपने एक बात नोट की है, जू जू मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, देखो इधर 2 था तो बॉक्स का पार्ट इतना बड़ा था 1/2, देखो ना
मैंने 2 से बढ़ा के 3 किया, डिनोमिनेटर बढ़ाया बास और छोटा हो गया, मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया बास और छोटा हो गया। मतलब जितना डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे आंसर छोटा होता जाता है, आंसर छोटा होता जाता है। बात समझ रहे हो? अब पेपर में कभी ये भी पूछ लेते, मसलन आपको फ्रैक्शंस ये कह देना 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है या 1/3 बड़ी फ्रैक्शन है, तो क्या करोगे, क्या बताओगे? 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है ना, क्यों? देखो ना 1/2 बड़ा पार्ट है ना भाई, ये देखो 1/3 तो छोटा हो गया था ना, 1/2 बड़ा पार्ट है, बड़ी फ्रैक्शन है। और ये तो हम देख के बता देते हैं कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कभी ऐसा हो जाए कि ऐसी कोई फ्रैक्शन दे दे जो आप देख के ना बता सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो फिर क्या करोगे? कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास। भाई कैलकुलेटर होता तो फौरन हम डिवाइड करके चेक ना कर लेते, कैलकुलेटर होता तो हम फौरन डिवाइड करके चेक ना कर लेते भाई, कैलकुलेटर भी नहीं है। और हमने ये भी पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो उसके लिए फिर आप 2 पॉइंट्स लिख लें, आप 2 पॉइंट्स लिख लें रफ में लिखें। भाई मैनुअली सीखना है ना, क्योंकि कैलकुलेटर तो नहीं है हमारे पास, तो अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो उसके लिए आप 2 पॉइंट्स लिख लें। पहला पॉइंट लिखो, मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर्स सेम बाय मल्टीप्लाइंग with a suitable number, with a suitable number। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, now larger the numerator, larger the numerator, larger is the fraction, larger is the fraction, larger the numerator, larger is the fraction। दोनों पॉइंट्स लिखो जी, मैं समझा देता हूं फिर। दोनों पॉइंट्स लिखो पहले, शाबाश जल्दी से। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये दोनों पॉइंट्स करने ही काफी हैं जब आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा जी, फ्रैक्शन का पता नहीं चल रहा कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, डायरेक्ट ना पता चले तो आप ये दोनों पॉइंट्स कर लेंगे, क्यों? कैलकुलेटर होता तो फिर तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते ना, कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, इसलिए मैनुअली सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबके डिनोमिनेटर सेम करने लगा हूं, अब आपको पता है डिनोमिनेटर हम किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने लगा हूं, देख इधर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ये देखो 7 × 21, 3 × 7, 21, 1 × 21, 21, डिनोमिनेटर सेम करने थे, लिखा ही डिनोमिनेटर का था तो डिनोमिनेटर सेम किए, लेकिन एक मसला हो गया, और ये तो सवाल चेंज हो गया भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन ही नहीं रहा, 2/21, 4/21, 2/21 बन गया। और ये तो ऐसे ही हो गया, आपको सीएसएस में सवाल आया हुआ हो आप उसको चेंज करें करके वो वाला बना दें जिसका जवाब आपको आता हो, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो मैथ में भी फिर ऐसे नहीं कर सकते, आपने ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो इस ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज होने से बचाना भी है ना, तो एक ही तरीका है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी कर दो ना, इधर जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो, इधर जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो। भाई ये वाला तो वो है ना जो मैं रेड इंक में लिख रहा हूं, ये तो वो जिसकी सूटेबल नंबर की बात की है ना मैंने, ये और ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर 7 क्यों मल्टीप्लाई किया है, और ये हम तो नहीं करना चाह रहे थे, सवाल चेंज हो गया था ना, हमारी मजबूरी बन गई थी तब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ गया, वरना हम तो सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने चले थे, लिखा जो था ये ऊपर, तो ये तो मैं अगर उर्दू में साथ लिख दू ना, ये तो हमारी मजबूरी बन गई थी। हाँ
हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ गया क्योंकि सवाल चेंज हो गया था। मेरी बात समझियो, आप सिंपल जरा मल्टीप्लाई तो करो, 7 इंटू 2 14 बाय 21 इधर, 12 बाय 21 इधर, 2 बाय 21। देखो सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, सबके डिनोमिनेटर तो सेम है भाई। अब किस बेस पे डिसीजन लेना है? नाउ लार्जर द न्यूमिरेटर लार्जर इज द फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिरेटर लार्जर है वो फ्रैक्शन लार्जर है। मुझे बताओ पहला दूसरा या तीसरा किसका न्यूमिरेटर लार्जर है, किसका न्यूमिरेटर लार्जर है? फर्स्ट वन का। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन लार्जर है, ये फ्रैक्शन लार्जर। अब यहां फिर गलती करता है स्टूडेंट, इसी को लेकर आते हैं सर 14 बाय 21 इज लार्जर। और ये नहीं लिखना भाई, लिखना तो ये है ना, ओरिजिनली ये आया कहां से था, ये तो यहां से आया था ना 2/3। इट मीन्स 2/3 इज अ लार्जर फ्रैक्शन, 2/3 इज अ लार्जर फ्रैक्शन, 2/3 इज अ लार्जर फ्रैक्शन। बात समझे हो? तो फ्रैक्शन का वर्ड में कहीं आगे यूज करूं तो आपको पता हो यार फ्रैक्शन क्या चीज है। लास्ट वन सब एडिंग लिख लो जी, लास्ट वन सब एडिंग, दैट इज एलसीएम टेक्निक, एलसीएम टेक्निक। भाई एलसीएम टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे हम, तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, गलतियां ना हो हमसे। एलसीएम टेक्निक एंड कैलकुलेशन, एलसीएम टेक्निक एंड कैलकुलेशन, एलसीएम टेक्निक एंड कैलकुलेशंस। अच्छा जी, अरे मेरी बात सुनिएगा जरा इधर, हमें कैसे पता चलता है एलसीएम लेना है सवाल में, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? सवाल हल करते करते किसी जगह एलसीएम लेना पड़ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये एलसीएम ही लेना है इधर? देखो आपके पास ऐसे नंबर होना 2+3+5, ये आप सारे जमा कर लेते हो, 2+3 5, 5+5 10, आप सबको आता है। ये आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको जमा ना कर सकते। मैं आपको बोलूं 10-3, ये आप सबको आता है 7, आप सब कर लेते हैं। यानी पूरे पूरे नंबर जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए वो तो हम सबको पता है, लेकिन जब फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए उनको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। यानी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम समझते हैं फ्रैक्शंस क्या होती है, अभी पढ़ा के आए ना। फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए ना तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है। यूं पता चलता है हमें कि सवाल में हमें किस जगह एलसीएम लेना है। भाई किसी जगह फ्रैक्शन आ, फ्रैक्शन समझते हो ना, 2/3, 1/4, ये फ्रैक्शन है ना। जब ऐसी फ्रैक्शंस ऐड हो रही हूं या सब्ट्रैक्ट हो हम वहां एलसीएम लिया करेंगे। आप छोटी क्लासों में करते थे, मैं याद करा देता हूं आपको एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल देखना, मैं आपको बोलूं 3/4+5/2, यूं लिख दूं 3/4+5/2, ये फ्रैक्शन है ना, ये भी मैथमेटिकल फ्रैक्शन है, ये भी मैथमेटिकल फ्रैक्शन, दीज आर मैथमेटिकल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हम तो एलसीएम लेते होते हैं, तो एलसीएम लेते हैं ना ये डिनोमिनेटर्स का। ये मैं याद करा रहा हूं, आप छोटी क्लासों में करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। कैसे लेंगे एलसीएम भाई? ऐसे करते थे ना, वो सीढ़ी वाला तरीका याद है, 4 और 2 इसका एलसीएम लेते थे, है तो 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 इधर 1 आ जाएगा, इधर फिर 2 से, तो ये सारे मल्टीप्लाई कर देते थे तो एलसीएम आ जाता था ना, एलसीएम इज 4। तो एलसीएम आ गया जी हमारे पास 4, यूं एलसीएम लेते थे। अब जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, यही करते आए आप छोटी क्लासों से। 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें ना,
वन इंटू थ्री इज थ्री, ये बीच में प्लस है या माइनस जो भी, इसी तरह लिख दो। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फोर को टू से डिवाइड करो, टू आंसर, टू को ऊपर मल्टीप्लाई करो फाइव के साथ, टेन आ जाएगा। तो टेन प्लस थ्री इज थर्टीन, प्लस थर्टीन डिवाइड बाय फोर, थर्टीन डिवाइड बाय फोर। तो यूं सिंप्लीफाई कर लिया हमने। एक मिसाल और देता हूं, मसलन मेरे पास हो 2 बाय टेन माइनस वन बाय टेन, फिर फ्रैक्शन आ गई है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब नीचे सेम हो ना, बस सीढ़ी वाले तरीके पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही लिख दिया करो 10 है। एलसीएम को डिवाइड करते होते हैं डिनोमिनेटर से, 10 को 10 पे डिवाइड, वन आंसर, ऊपर मल्टीप्लाई, 182 इज 2 माइनस 10 को 10 पे डिवाइड, वन आंसर, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1, 2 माइनस 1, 1, 1 बाय 10। ये मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी जगह आपको कैलकुलेशन में एलसीएम लेना पड़ जाए, तो लोगों को एलसीएम लेना भी भूला हुआ होता है, तो वो मैंने याद कराया आपको कि किस तरह चलना है। पता कैसे चलता है एलसीएम लेना, भाई फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, मैंने नहीं कहा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया, मैंने कहा सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, बात समझे हो। तो यूं उसको टैकल कर लेंगे। अच्छा एक एडिंग और लिख लो, है इसी के साथ साथ एडिंग एक और लिख लो, वो भी कहीं काम आ सकती है आपको, लिख लें बेसिक से ना, एक और लिख लो भाई। एलसीएम और एचसीएफ अलग से टॉपिक्स हैं, वो उधर पढ़ाऊंगा, ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए बताया, कहीं आ जाए तो बताओ। अच्छा आप लिख लें स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो आपने पढ़े थे छोटी क्लासों में, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस नहीं जरूरत क्यूब वाले, नहीं जरूरत हायर पावर के, और ये भी अभी तक काम नहीं आए क्योंकि हमें वो प्योर मैथ का पेपर तो नहीं देता ना, जनरल एबिलिटी का पेपर है ना, जनरल साइंस एबिलिटी। लेकिन ये बहुत ही बेसिक है ना, आप तो प्राइवेट क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो ये कम अज कम आपको आते हो, वैसे एहतियातन बता दिया, ठीक हो गया जी। अब आप अपनी मेन एडिंग बदलेंगे, जो चल रही थी ना बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, जो चल रही थी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो चल रही थी ना, मेन एडिंग बदल लें आप, अच्छा इसमें से जितनी हमने डिस्कशन की है ना, ये प्रॉपर टॉपिक तो नहीं पढ़ा अभी तक हमने, लेकिन मैंने कहा था ना बेसिक चीजें भी कहीं ना कहीं काम आती हैं। इस पे जरा आप देखिएगा, CSS 2020 रेफरेंस लिखो जरा, CSS 2020 क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर बी देखना, ये जो पहली सब एडिंग थी ना मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस करने वाले, 5 नंबर का सवाल था उसमें से, ये वाजे मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया सवाल का, आप चेक कर सकते हैं पेपर में, CSS 2020 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी। ठीक है जी, ये मैंने CSS से रेफरेंस दिया ना, वह आप देखेंगे। अच्छा जी, अब आप ये मेन एडिंग हमारी चल रही थी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, आगे सब एडिंग्स थी, अब एक मेन एडिंग आप लिखेंगे, आप लिख लें नंबर थ्योरी, आप लिख लें नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, अब आपकी मेन एडिंग चलेगी नंबर थ्योरी। बेसिक बेसिक सारे नंबर्स के बारे में हम जानते हो, बेसिक बेसिक सारे नंबर्स के बारे में जानते हो, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एन से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं वन से, वन टू थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स, होल नंबर्स डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं जीरो से, जीरो वन टू थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बोलूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट थ्री होल नंबर्स क्या करोगे, जीरो वन टू थ्री ना लिखना,
क्योंकि 0, 1, 2 इस पे तीन पूरे हो गए ना, तो फर्स्ट 3 होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। इसी तरह दो और इम्पोर्टेंट नंबर है, वो भी लिखो जरा, रियल नंबर लिखो, रियल नंबर आज जाहिर कर दो। अच्छा मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिखता, क्योंकि मैथ वाले तो समझ जाएंगे, एक आम बंदे को क्या समझ आती है, आप वो लिख लें, आप इसको यूं लिख लें, लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर हैं, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह देखना, इधर मैं लिखूं 70,000, मैं लिखूं 2, मैं लिखूं 1/3, मैं लिखूं -7, मैं लिखूं 0.25। देखें बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शंस हो, अब आप समझते हैं फ्रैक्शंस क्या है, इसलिए मैं पहले बता के आया, डेसिमल्स हो, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं ये रियल नंबर, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। इनफैक्ट रियल नंबर, इनफैक्ट रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इनफैक्ट रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हम गिन नहीं सकते, और ये सारे रियल में आएंगे ना, ये ऊपर लिखे इनफाइनाइट, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इस बात से क्या मुराद, देखो जरा किस तरह नहीं गिन सकते आप। मैं आपको एग्जाम्पल दू, मसलन मैं 0 से 1 पे जाना चाहता हूँ, मैं 0 से 1 पे जाना चाहता हूँ, तो बीच में कितने सारे लिखने पड़ते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1 आता है, देन 1 आता है, मतलब आपसे 0 से 1 पे जाना था, इतने सारे गिनने पड़े, अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं, 0.001, 0.002, 0.003, वो तो मैंने गिने ही नहीं अभी। तो कहने का मतलब है ये तो बहुत सारे आते हैं इसमें भाई, बहुत सारे आते हैं इसके, ठीक हो गया। सिदरतुल मुंतहा, क्या रियल के बाद नहीं समझे, समझ नहीं आई, और ये मैंने मिसालें दी है ना, तो रियली समझा रहा हूं ना अभी, और इसके बाद तुम्हें गए ही कुछ नहीं। और मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव हो, इरिस्पेक्टिव, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल, सबको मिलाकर हम कहते हैं ये रियल नंबर है, सबको मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर है, ठीक है। बहराम शाह, अभी मैंने रेशनल और इरेशनल के बस का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए उस तरफ नहीं, नाम ही नहीं लेता मैं अभी, आगे जाके जब पढ़ाऊंगा फिर उस पर आऊंगा। अच्छा जी, सिर्फ एक कंडीशन लगाएंगे वो रियल नंबर नहीं है, बाकी सब रियल होते हैं भाई, इनफाइनाइट है। वो कंडीशन क्या है, मैं इधर लगा देता हूं, देखना इधर जरा, आप लिखें जरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको सी से जाहिर कर दें, ये होते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, अच्छा रियल तो अभी हमने डिस्कशन की ना, कौन से हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं इसको ए कह देता हूं ना, सी इज इक्वल टू, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला इक्वल अपनी जगह, ये प्लस अपनी जगह, इमेजिनरी नंबर को मैं बी से जाहिर कर देता हूं ना, और भाई कोई एक होगा ना, मैं उसको बी कह देता हूं, मैं उसको बी कह देता हूं, तो फर्क क्या हुआ, रियल और इमेजिनरी में फर्क तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, और बी को ए की जगह लिख लो, ए को बी की जगह, कोई फर्क तो ना हुआ रियल और इमेजिनरी में, तो फिर रियल और इमेजिनरी का फर्क करने के लिए इमेजिनरी के साथ हम एक लेटर यूज करते हैं, दैट इज आयोटा, आयोटा, ये मैं ये बोल रहा हूं भाई, आयोटा, आयोटा, ये यानी रियल और इमेजिनरी दोनों की कॉम्बिनेशन, रियल और इमेजिनरी दोनों की कॉम्बिनेशन, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर की अभी हम डिस्कशन करके आए ना, प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी को बेस जाहिर किया था,
लेकिन फर्क नहीं नजर आ रहा था रियल और इमेजिनरी में। तो हमने क्या किया कि इमेजिनरी के साथ एक लेटर यूज कर लिया, दैट इज आयोटा। अब आयोटा शायद कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो, तो मैं इधर ऊपर जरा आयोटा पे डिबेट कर देता हूं। आयोटा पे मैं डिबेट कर देता हूं जी, ये आयोटा क्या चीज है। अच्छा, पहली बात आयोटा के बारे में, ये आयोटा कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, आयोटा कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है भाई, मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है ये। आप डेली लाइफ में अंग्रेजी में इस्तेमाल करते ना इसको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से। न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था आयोटा ऑफ डाउट्स, आयोटा ऑफ डाउट्स। और मिसाल दे देता हूं, इमरान खान की यूएन असेंबली में तकरीर आपने सुनी हो, तो उसने चार पॉइंट्स दिए थे ना, चार पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था टेररिज्म पे। तो जब वो टेररिज्म पे बात कर रहा था तो बोला इंडिया हम पे इल्जाम लगाता है टेररिज्म का, तो हमें आयोटा ऑफ प्रूफ तो दे दे टेररिज्म का, फिर हम कार्रवाई करें मुल्क में। आयोटा ऑफ प्रूफ तो दे दे, आयोटा ऑफ प्रूफ तो दे दे, मतलब बहुत ही माइन्यूट माइक्रो लेवल पे बात समझियो। आयोटा लफ्ज कॉमनली अंग्रेजी में कब यूज होता, बहुत माइन्यूट ना। मैंने एग्जांपल दिया आपको इमरान खान की तकरीर से, है समझे, या फिर एक और देती हूँ एग्जाम्पल। चले पीटीआई की एग्जाम्पल होगी, मैं नून लीग की दे देता हूं। आपने जब जेआईटी बनी थी ना नवाज शरीफ पे जेआईटी बनी थी, उसका बेटा जेआईटी के सामने पेश हुआ था। आज भी आप गूगल करके चेक करें, उसने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली। आज भी आप चेक कर सकते, कहता है जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली, यानी जेआईटी शरीफ खानदान के खिलाफ माइक्रो लेवल पे भी करप्शन साबित नहीं कर सकती। कहने का उसके कॉन्टेक्स्ट तो बात का यही बनना था। तो कहने का मतलब ये है आयोटा लफ्ज हम अंग्रेजी में तब इस्तेमाल करते हैं जब माइक्रो लेवल पे बात करनी हो। तो पहली तो ये कंफ्यूजन खत्म, कि ये तो कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं थी, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज था आयोटा, है। और नवाज शरीफ का बेटा इस्तेमाल कर सकते तो आप नहीं कर सकते, कॉमन लफ्ज है ना, बात समझे आप। अच्छा, सेकंड ये माइक्रो लेवल पे कहां इस्तेमाल होता है, मसलन जो माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, आर्ट्स वालों ने भी सुना होता है, नजर तो नहीं आता हमें डायरेक्ट। उस दुनिया में ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी का ये मतलब नहीं है कि इमेजिन किए, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया में, ठीक है। कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं जी, कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो वैल्यू पूछ ले तो वो भी हमें पता हो, जरा इसकी वैल्यू पे भी डिबेट कर देते। मैं मिसाल देता हूं आपको, देखो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स निकालना पड़ जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, इधर ये ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, एक तरफ ये ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो एक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। अभी मैं पढ़ा के आया हूं स्क्वायर रूट की वैल्यू वन बाय टू होती है, ठीक है। तो माइनस वन इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, वन बाय टू और टू कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आप करके देखें जरा कैलकुलेटर से, अभी करें आप माइनस वन का स्क्वायर रूट करें ना, कैलकुलेटर चुप हो जाएगा, आप करके देखें माइनस वन का स्क्वायर रूट करें, कैलकुलेटर चुप हो जाता है। जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाए समझ आया करो ना, आ गया आयोटा, क्यों कैलकुलेटर तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया ना, कैलकुलेटर तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए बनाया गया ना, तो जहां माइनस वन का स्क्वायर रूट करते हैं कैलकुलेटर खामोश हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे ये आयोटा है। तो असल में आयोटा फिर क्या हुआ, इसकी वैल्यू बनी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आइंदा हम ये जनरलाइज कर लेंगे, है। आप करके देख लें, माइनस वन का स्क्वायर रूट करें ना, कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर या कहेगा सिंटैक्स एरर, आप करके तो देखें, या कहेगा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है।
तो माइनस वन का स्क्वायर रूट दैट इज आयोटा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, वो भी लिखें जरा, दैट इज प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। पी से जाहिर कर दो, आप लिखें नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ऑनली, इटसेल्फ एंड वन ऑनली। आप लिखे, मैं समझा देता हूं। प्राइम नंबर, नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ऑनली, नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ऑनली। पहली बात, वन से बड़ा होना चाहिए, जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो उसको हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर। कैसा होगा जी? फॉर एग्जाम्पल देखना इधर जरा, टू वन से बड़ा है, टू वन से बड़ा है ना भाई, टू खुद से डिवाइड होता है, देखो टू डिवाइडेड बाय टू वन आंसर आता है, टू वन से भी डिवाइड होता है टू आंसर देता, तो फिर टू लिखो ना प्राइम नंबर में। थ्री लिखू, थ्री, थ्री खुद से डिवाइड होता है ना, देखो थ्री डिवाइडेड बाय थ्री वन, थ्री वन से भी डिवाइड होता है आंसर थ्री। फोर लिखू, फोर ना लिखू, फोर ना लिखू, क्यों भाई? फोर तो खुद से भी डिवाइड होता है वन आंसर, फोर तो खुद वन से भी डिवाइड होता है फोर आंसर, फोर तो टू से भी डिवाइड होता है टू आंसर। इसका मतलब है हमने टू में कहीं कहा है टू से डिवाइड हो, हमने तो दो ही बातें की थी बस, खुद से डिवाइड हो और वन से हो, ये तो टू से भी हो रहा है, फोर ना लिखो। फिर फाइव लिखू, फाइव लिखू, खुद से डिवाइड होता है वन से डिवाइड होता है, ठीक है। सिक्स लिखू भाई, सिक्स ना लिखू, क्यों? सिक्स तो खुद से भी डिवाइड होता है वन आंसर, सिक्स तो वन से भी डिवाइड होता है सिक्स आंसर, सिक्स तो टू से भी डिवाइड होता है थ्री आंसर, सिक्स तो थ्री से भी डिवाइड होता है टू आंसर। हमने कहीं कहा है कि थ्री से टू से डिवाइड, हमने कहा बस खुद से हो वन से हो, बात समझे हो? इसी तरह फिर सेवन लिख सकते हैं ना, एट नहीं लिखेंगे हम क्योंकि एट तो फोर से भी डिवाइड हो रहा है, नाइन भी नहीं लिखेंगे थ्री से भी डिवाइड हो, हमने तो कहा खुद से और वन से बस। अब आपको पता लग गया है प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिखते जाओ आगे फिर जितने बनते हैं, बात समझियो। इज वन ना प्राइम नंबर? ये देखो जरा ऊपर मैंने कुछ लिखा है, नंबर ग्रेटर देन वन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझते, नंबर ग्रेटर देन वन, वन से बड़े भाई, वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कहते हैं इसको, प्राइम नहीं है। अच्छा जी, एंटीजर्स, एंटीजर्स, एंटीजर्स तो आप सारे फेमिलियर है ना, पता है आपको एंटीजर्स, आई से जाहिर कर दो, ये तो होते हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी सादा सी बात यह है, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव क्यों या नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन। अब वन बाय टू ये नहीं है इंटीजर, वन बाय टू इज नॉट इंटीजर भाई, पूरे पूरे नंबर हो चाहे पॉजिटिव क्यों या नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी तरह ऑड इवन आप वैसे ही समझते हैं सारे, हैं आर्ड इवन तो समझ, आर्ड क्या होता है? एक तीन पांच सात, आर्ड क्या होता है? इवन क्या है जी? दो चार छ आठ जीरो भी इवन में शामिल होता है, ये तो हम सारे समझते ना। वी डिनोट इंटीजर्स बाय सी, बैराम शाह, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इंटीजर्स को आई से भी जाहिर करते हैं, जी से भी जाहिर करते हैं, कंप्लेक्स नंबर्स को सी से भी जाहिर करते हैं तो जी से भी करते हैं, इसलिए मैंने लिख, वो साथ बता दिया जाता है, वरना हम कंप्लेक्स नंबर को भी जी से जाहिर कर देते हो, ठीक है। आई से भी कर सकते हो,
जी से भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वजीहा साजिद इंटीजर्स नॉट गेटिंग इंटीजर्स। मैंने कहा है पूरे पूरे नंबर हो ना, जैसे देखो 1, 2, 7, -2, -3, 1/3, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये ना हो, इसके अलावा जितने ये सब इंटीजर्स में आएंगे, पूरे पूरे नंबर चाहे पॉजिटिव क्यों या नेगेटिव। मसलन देखो ना 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर्स है, -3, -7, -4 पूरे पूरे नंबर है ना इंटीजर्स। 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/9 इंटीजर नहीं है, पूरे पूरे नंबर जो होंगे वही इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, पॉजिटिव के नंबर होंगे या नेगेटिव। तो बात समझो यहां तक, अच्छा जी। अब दो और इंपॉर्टेंट नंबर बचते हैं, तो आप यहां तक रख लें, ब्रेक कर लो, वो बता के मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक के बाद मैं टॉपिक शुरू करूं प्रॉपर। फिर ये हम बेसिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी ना, तो उन लोगों को भी साथ चलाना था जिनको बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता, राइट। तो ब्रेक के बाद हम दो और नंबर डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रॉपर टॉपिक पर आएंगे। फिर एक ही फ्लो होगा कि आइंदा पूरे जनरल एबिलिटी के मैथ वाले जो टॉपिक हैं उन सारों को हम एक पैटर्न पर चलाएंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उससे हम उनको टैकल कर लेंगे। आप ब्रेक कर लेंगे 7:50 तक, 7:50 पे आप वापस आ जाएंगे, 7:50 पे आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, सिदरतुल मुंतहा ऑल नंबर्स जो है ना वो जीरो से आगे शुरू होते हैं, इंटीजर्स में ये फर्क है कि ये जीरो से लेफ्ट साइड पे भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, राइट। तो 7:50 पे आप क्लास में हो, लेट नहीं होंगे, बीच में फिर चीजें नहीं समझ आएंगी, टाइम से आ जाएं क्लास, राइट। आप अपने नेट कनेक्शन चेक करें। अच्छा जी, मैंने कहा जी हमें फिर रेशनल इरेशनल, रेशनल और इरेशनल इसमें फर्क करना है, तो चैलेंज वन के पाई सामने आ गया है, ये डेफिनेशन तो काफी नहीं है, इसलिए मजीद पढ़ने की जरूरत है। आप इसी का एक और स्टैंडर्ड लिख लें जी। और भाई मैं अलग नहीं कोई चीज बता रहा, यही क्यू और क्यू प्राइम, इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं, देख लो इरेशनल को क्यू प्राइम से जाहिर, इन्हीं में फर्क करना चाहते हैं आप लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की बुनियाद पे हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, डेसिमल की बुनियाद पे हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। भाई रेशनल और इरेशनल इसी में फर्क करना चाहते हैं ना दोनों में साइमल्टेनियसली, हमें समझ नहीं आई रेशनल किसको बोलें तो इरेशनल किसको बोलें, इसी में फर्क करना है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड लिखें ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। डेसिमल जो है ना ये दो किस्म के होते हैं भाई, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स तो दो किस्म के होते हैं, डेसिमल तो दो किस्म के होते हैं, टर्मिनेटिंग खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, नाम पे गौर करें। अब जो टर्मिनेटिंग है ना, मैं मिसाल देता हूं, इनके आगे आप पहले ब्रैकेट में लिख लो क्यू, क्यू लिखो जरा, टर्मिनेटिंग के आगे ब्रैकेट में क्यू लिखो, टर्मिनेटिंग के आगे लिखो क्यू। क्यू किसके लिए है भाई, रेशनल के लिए ना, ये हम रेशनल और इरेशनल में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ना, तो टर्मिनेटिंग के आगे लिखो क्यू, मतलब रेशनल है। मिसाल से समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 जवाब क्या आता है 0.50, 0.50। आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते, आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स खत्म होने वाले, उनको मैंने कहा ये रेशनल की कैटेगरी में फॉल करते। मिसाल दी 1/2, आप जवाब निकालें क्या 0.50,
लेकिन आगे तो डिजिट नहीं चलते होते। ये मेरी मुराद है नन्ना टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो ये रेशनल की कैटेगरी में फॉल करता, जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके आगे आप दो सब टाइप्स बना लें। एक आप लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दूसरा लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नाम पे गौर करना है फिर हमने। आप जरा पहले ब्रैकेट में तो लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इनके आगे लिखो ब्रैकेट में क्यू। क्यू क्या है भाई? रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इनके आगे ब्रैकेट में लिखो क्यू प्राइम। क्यू प्राइम इरेशनल के लिए है। लिखे मैं मिसालें देता हूं जल्दी से जरा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, एंड रिकरिंग रिपीट होने वाले। और रिकरिंग कॉमन लफ्ज है अंग्रेजी का, रिपीट होना, यही मतलब होता है। आप कहते नहीं पाकिस्तान अफेयर के पेपर में कसरत से लिखा होता आप लोगों ने, देर आर रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान, रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान मतलब रिपीट होने वाले, रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, एंड रिकरिंग रिपीटिंग। वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यू में, रेशनल में। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर 0.33333333 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है खत्म नहीं हो रहा, एंड रिकरिंग है रिपीट होने वाला। ये किस कैटेगरी में आता है? क्यू में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैं मिसाल इधर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं इसकी। फॉर एग्जाम्पल 0.37214 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे ये नंबर्स? क्यू प्राइम में, रेशनल में। जरा वापस तो आओ, जिसकी वजह से हमें ये डिस्कशन करनी पड़ी है, वापस आओ जरा पाई पे। पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप? 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही लिखते हो ना? 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट भी तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यू प्राइम में, ये देखो ना। इसलिए पाई इरेशनल हो गया था, इसलिए पाई इरेशनल हो गया था भाई। अच्छा इधर एक और बात सुनो मेरी, जरा इधर एक और बात सुनो। और रिकरिंग का जो लफ्ज मैंने लिखा है ना, ये ना समझ लेना सर ने कहा था बस 3-3 आए तो वही रिकरिंग होगा, ये भी हो सकता है। देखो इधर 0.313131 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये भी हो सकता है 0.123123123123। कहने का मतलब है एक पैटर्न रिपीट हो, एक पैटर्न रिपीट हो उसको हम रिकरिंग बोलते हैं भाई, एक पैटर्न रिपीट हो उसको रिकरिंग बोलते हैं। इसी को ना रटा लगा लेना, साहब ने बोला था 3-3 आए तो वही रिकरिंग है। तीसरा और लास्ट वन स्टैंडर्ड एक और लिख लें। हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स। तीसरा एक और लिख लें आप, लास्ट वन स्टैंडर्ड रेशनल और इरेशनल के लिए बता रहा हूं। आप लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की बुनियाद पर। सादा सी बात यह है, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो ना, सॉल्वेबल स्क्वायर रूट, इसको क्यू कहते हैं। क्यू से क्या मुराद है? रेशनल। क्यू से क्या मुराद है? रेशनल। सॉल्वेबल स्क्वायर रूट तो रेशनल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 9, आपको पता है ना 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ये काट जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है ना, तो 3 आ जाएगा। ये सॉल्वेबल से मुराद है मेरी, कंप्लीट स्क्वायर बाहर आए स्क्वायर रूट। और अगर इन सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो, इन सॉल्वेबल स्क्वायर रूट हो, उनको लिखो क्यू प्राइम, उनको लिखो क्यू प्राइम क्विक जी। इरेशनल, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 13 नहीं आता बाहर स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता। इससे मेरी मुराद है इन सॉल्वेबल स्क्वायर रूट, इनको बोल रहा हूं।
तो तीन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखे कि जिसके बुनियाद पे आप रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। बस भाई अब आप टॉपिक पर आएंगे मेन, आप लिखें टॉपिक परसेंटेज, परसेंटेज टॉपिक लिखें परसेंटेज। ये वो टॉपिक है जो सिलेबस में वाजे लिखा हुआ है, ये वो टॉपिक है जो सिलेबस में वाजे लिखा हुआ है कि पढ़ के आओ। मैंने शुरू में बताया कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो वाजे नहीं लिखे हुए लेकिन पेपर में फिर भी आए हैं ना, ये उनमें से नहीं है। ये वाजे लिखा हुआ है कि ये वाला टॉपिक पढ़ के आए, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा पहली बात, परसेंटेज के सवाल पास पेपर्स में आए कब कब? सीएसएस 16 में भी आया, सीएसएस 17 में भी आया, सीएसएस 18 में भी आया, सीएसएस 19 में भी आया, सीएसएस 20 में नहीं आया। पांच ही पेपर्स हैं हमारे पास। पांच में से चार पेपरों में आया है परसेंटेज का सवाल, सिर्फ एक में नहीं आया। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितनी कसरत से आ रहा है, ठीक है। तो सीएसएस 2020 के अलावा सारे पेपर्स में परसेंटेज का सवाल आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट हुआ जो। अब परसेंटेज के सवाल की पहचान क्या है? पेपर में परसेंटेज का सवाल जब भी आएगा आपने पहले पहचानना है खुद उसको, तो वो लाजमन लफ्स परसेंट लिखेगा, लफ्स परसेंट लिखेगा भाई। परसेंटेज का सवाल जब भी आएगा पेपर में परसेंट लफ्स लिखेगा वो, आपने इस लफ्स को तोड़ के पढ़ रहना अलग अलग। ये भाई ये इसलिए बता रहा हूं, परसेंटेज का सवाल आए वो तो नहीं कहता लो जी मैं परसेंटेज वाले टॉपिक से सवाल दे रहा हूं जरा हल करके बताना, वो तो कहता बस सवाल दे रहा हूं जिस तरह मर्जी हल करके बताना। आपने खुद पहचानना है ना सवाल को, आपने खुद पहचानना है ना सवाल को, आप खुद पहचानोगे पहले सवाल ये किस टॉपिक से है फिर उसको सॉल्व करोगे ना। इसलिए बता रहा हूं आपको पहले सवाल की पहचान भी हो, तो परसेंटेज का सवाल जब भी आता है लफ्ज परसेंट लाजमी लिखता है, जिससे हम समझ आ जाए यार ये परसेंटेज के टॉपिक से आया है। जो कोई परसेंटेज के बारे में हम अभी सीखेंगे वो अप्लाई करेंगे फिर उस पर, ठीक है। परसेंट लफ्ज को तोड़ के पढ़ना है, ये पार अलग कर लें सेंट अलग। पार का मतलब यही है, ये जो आपने फीस जमा कराई ना आप लिखते हैं जी 70,000 पर हेड, आपकी रसीदों पे यूं लिखा होगा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट लिखता है 70,000 पर हेड, 70,000 पर हेड। या आप बैंक में जाते हैं चेक कैश करा रहे हो, कहते हैं लिखो इस तरह पर हेड। तो ये परसेंट में भी यही वाला पर है ना, तो पर मीन दिस स्लैश, पर मीन दिस स्लैश डिवीजन को शो करता है। सेंट, सेंट तो सेंचुरी से निकला है, सेंट तो सेंचुरी से निकला है, सेंचुरी तो 100 को कहते हैं, आप सबको पता है सेंचुरी तो 100 को कहते हैं, ठीक है जी। परसेंटेज जब भी पूछेगा आफ लाजमी कहेगा, आफ को आप यूं शो करेंगे ब्रैकेट से, आफ को मैथमेटिकली यूं लिखेंगे आप, आफ को मैथमेटिकली आप यूं लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का सवाल जब भी आएगा आफ लाजमी कहेगा, बताएगा ना आपको परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ व्हाट, आफ लाजमी कहेगा वो, आफ को आप यूं लिख लेंगे। ये मैंने आपको तीन सैंपल्स बताए हैं, ये फार्मूला नहीं बताया ट्रिक बताई है, फार्मूला नहीं बताया ट्रिक बताई है। इज अ ट्रिक, ट्रिक क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं यार सवाल जल्दी आ लो ना, हमने रिसर्च तो नहीं करनी, सीएसएस करना है, तो सीएसएस में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, हैं? पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है ना, हमने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, इसलिए ये ट्रिक लिखवाई है मैंने ताकि सवाल जल्दी आ लो ना। वैसे भी आपको पता है ऐसे लिखते ना आप, हैं? टाइम मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस, तो आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है पेपर में, इसलिए ये ट्रिक की बात कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी मिसाल से समझा दूं ट्रिक, देखो इधर मैं आपको बोलू ना, फाइंड 20% 20% ऑफ 1000, परसेंट लफ्ज तोड़ के पढ़ने पर अलग और सेंट अलग। देखना इधर 20% बोल रहे हो, 20 पर को यूं लिखते हैं, सेंट सेंचुरी से 100, ऑफ को मैंने यूं लिखना सिखाया, ऑफ व्हाट 1000, इधर इक्वल लगा लो, ये काटो इसके साथ
तो क्या आ जाएगा 200, 200 इज 20% ऑफ 1000, 200 इज 20% ऑफ 1000। तो बात समझो, ये छोटा सा सवाल क्यों कराया, ये ट्रिक समझाने के लिए ना, क्या पर, क्या सेंट, क्या ऑफ। मेरी बात समझो जो मैं कहना चाहता हूं। अब ये ट्रिक है, ट्रिक आपने पेपर में नहीं लिखनी, ट्रिक तो आपकी समझ के लिए, ताकि आप सवाल जल्दी हल कर लें, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है ना भाई। आप इंशाल्लाह जाएंगे 2022 में तो आप देखेंगे ये बात मेरी आपको याद आएगी। उस टाइम भी दो ही पेपर हैं सीएसएस में, दो ही पेपर हैं सीएसएस में जिसमें टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है हर बंदे को होता है, एक एसए में होता है और दूसरा जीएसए में होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। इन दो पेपरों में हर बंदे को टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, इन दो पेपरों में हर बंदे को टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है। अगर आपको इससे इसके अलावा किसी तीसरे पेपर में भी मसला होता है तो वो फिर आपका जाती मसला है, सबको वैसे इन दो पेपरों में ही होता है, ठीक है। ऐसे में क्यों होता है वो तो हमें समझ आती है, ऐसे में वो आपको कहता है ना यार 2500 से 3000 वर्ड्स लिख ले, हैं? इतने ज्यादा वर्ड्स हम नहीं लिख सकते दो घंटे में, तीसरा घंटा तो आउटलाइन पे गुजर जाता है पेपर में, हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए एक घंटा तो लग जाता है आपको टॉपिक पर ना, वो जो आपके हाइपो कैंपस में पढ़ी है ना चीजें, वो निकालते निकालते एक घंटा तो गुजर चुका होता है। तो दो घंटे में लिखना 2500 से 3000 वर्ड्स तो नॉर्मली आप नहीं लिख सकते भाई। मैं एवरेज स्टूडेंट बात करूं 1800 से 2000, 2100, 2200, 1700 इतने ही लिखते हैं वर्ड्स लोग, ऑन द एवरेज लोग यही लिखते हैं। आप इस टॉपर से पूछे ना वो भी यही लिख, अगर आपके सामने खड़ा होकर झूठ ना बोले तो, हैं? ऑन द एवरेज लोग इतने ही लिखते हैं भाई 1800, 2000, 2100, 2200। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कोई आप में से भी एक्सेप्शनल हो, मैं तो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एवरेज लोग इतने ही लिखते हैं। मैंने भी कोई 1600, 1650 लिखे थे तो 42 मार्क्स मुझे भी दिए उसने, 42, इतने ही लिख सकते, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते भाई, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप एक्सेप्शनल हो तो आप लिखाए, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसमें तो समझ आती है, ऐसे में वर्ड काउंट का मसला होता है ना, इसमें तो वर्ड काउंट का मसला होता है ना। जीएसए में किस लिए हो रहा है टाइम मैनेजमेंट का मसला, जीएसए में इसलिए होता है, जीएसए में 1 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ABCD, चार हिस्सों में डिवाइड करता है, चार हिस्सों में डिवाइड करता है ये, ठीक है, चार हिस्सों में ये डिवाइड करता है। अच्छा, आपके पास सीएसएस में, आपके पास सीएसएस में एक जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके लिए टाइम होता है 30 to 35 मिनट्स भाई, उसको आप 400 में डिवाइड करें ना जरा, तो टाइम क्या निकलेगा, आप डिवाइड करें ये 8 से 9 मिनट, आप 8 मिनट की बात करें जी, एक सवाल आपने 8 मिनट में हल करना है, एक सवाल आपने 8 मिनट में हल करना है, तो एक सवाल 8 मिनट में हल करना है, तो फिर सिर्फ फॉर्मूले पे तो नहीं रिलाय कर सकते ना हम, फॉर्मूले पे तो रिलाय नहीं कर सकते ना हम, फिर तो हमें फिर ट्रिक्स भी इस्तेमाल करनी होंगी जो सवालों को जल्दी हल करा लें, ट्रिक्स भी इस्तेमाल करनी होंगी जो सवालों को जल्दी हल करा लें, क्योंकि हमें तो 8 मिनट में सवाल हल करना है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इसलिए ट्रिक बताई है। हर टॉपिक में कोई ना कोई ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हमने सीएसएस में टाइम भी मैनेज करना होता है ना, ये तो नहीं है कि रिसर्च कर रहे जी जब हो गया हाल तो ठीक है, हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मेरी बात समझे आप। कशमाला सर, डिड यू काउंट द वर्ड्स, वर्ड का, हाँ जी काउंट किए ना, एक एक करके तो नहीं गिनना होता ना, 1, 2, 3, 4, 1700, 1600, एक लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पता होते हैं आप कितने लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस ऑन वन पेज, क्विक, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो मैंने ट्रिक बताई है। आप हमें जो पेपर में सवाल आते हैं परसेंटेज के, वो तो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, हमने तो स्टेटमेंट्स के ऊपर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है, हमने तो परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करना सीखना है, ठीक है।
तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं, मैं अगर ये यहां रख लूं तो आपको आवाज आ रही है प्रॉपर है? यहां रख लूं तो प्रॉपर आवाज आ रही है? क्योंकि ये मेरे कानों को दर्द करता भी है यहाँ पे, लेकिन इसका मुझे एक फायदा भी है आप लोगों को पता है। आप कोरोना में मास्क लगा लगा के ना आपके कान ऐसे हो जाएंगे जैसे वो पीके मूवी में नहीं थे है? तो मेरे नहीं होंगे, मैं बैलेंस कर लेता हूँ यूं लगा। चलें जी, अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं और स्टेटमेंट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन करें, एग्जाम्पल नंबर वन। अच्छा, तरीकाकार मेरा ये होगा सब में, हर टॉपिक में आसान तरीन सवाल से शुरू करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप मुश्किल करता जाऊंगा, और आखिरी सवाल सीएसएस के पास पेपर से हुआ करेगा। हर टॉपिक में मैं इसी अप्रोच से चलूं। आसान तरीन से क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि आसान तरीन सवाल से इसलिए, आसान हो या मुश्किल हो सारे एक ही पैटर्न पर हल हो ना, हम ये चाहते हैं। सारे सवाल एक ही पैटर्न पर हल करना चाहते हैं, आसान हो या मुश्किल हो, इसलिए आसान से मुश्किल की तरफ जाऊंगा। और आखिरी सवाल सीएसएस का क्यों? इसलिए हमें पता चले कि इस टॉपिक से रिलेटेड सीएसएस में किस लेवल का सवाल आया है, या इधर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये उधर सीएसएस में भी काम आता है या वैसे ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से चलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो एग्जाम्पल नंबर वन लिख लें आप। स्टेटमेंट इन अ पार्किंग, देयर आर 800 कार्स इन विच 80% cars are Pakistani made. Find the number of Pakistani cars. Find the number of Pakistani cars. आसान तरीन सवाल से शुरू कर रहा हूं, तो देखें परसेंट का वर्ड क्लिक कराया ना उसने ये, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल कार्स कितनी है जी पार्किंग में, टोटल कार्स 800, आपको परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स दी है, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स दी है कितनी है 80%। आपको कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, तो नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स बोर्ड पे देखना क्या कहते हो, 80% है, परसेंट लिखना तो हमें आता है 80%, 80 मैंने कहा था वर्ड तोड़ के पढ़ो, 80 पर क्या मंगा सेंट, आपको यूं लिखते हैं ऑफ व्हाट टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दैट पार्किंग कितनी है 800, ये कट गया इसके साथ 0 और 64, 640 कार्स आर पाकिस्तानी मेड, 640 कार्स आर पाकिस्तानी मेड। आसान तरीन एग्जाम्पल से शुरू किया है, बस इसमें हमने सिर्फ अपनी ये आदत बनाई है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी, जो भी हो स्टेटमेंट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करेंगे हम। ठीक हो गया? अब मैं स्टेप बाय स्टेप सवालों को हायर करता जाऊंगा जी लेवल में है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू कर लें आप, एग्जाम्पल नंबर टू कर लें आप, लिख लिया मैं इरेज करूं।
एग्जाम्पल नंबर टू करें। स्टेटमेंट है व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड, 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60%, 60% ऑफ अ नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर is 60. What is the number which क्विक जी लिख ली स्टेटमेंट, देखे ना परसेंट का वर्ड क्लिक कराया ना, ये समझ गया पसंद जाएगा सवाल। जरा इधर एक बात समझिएगा, 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, डू यू नो अ नंबर वी डोंट नो जब कोई चीज, तो एक जनरल बात सिखा रहा हूं, जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो हम उसको पहले सपोज करते हैं, लेट इट बी एक्स। जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो हम उसको पहले सपोज करते हैं, लेट इट बी एक्स। ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं बता रहा, ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं बता रहा, मैथ में हमेशा ये बात चलेगी। एक जनरल बात हमने साथ सीखी, आगे टॉपिक्स में सब में चलेगी ये बात, कि जब भी कोई चीज मालूम ना हो हम उसको पहले सपोज करेंगे, लेट इट बी एक्स। तो सॉल्यूशन में लिखे ना पहले तो जनरल रूल, लेट द नंबर बी, हमें नहीं पता, दैट इज एक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा ये कुछ लोग आंसर्स लिखे जा रहे हैं, तुक्के ना मारो ना, पहले बात समझ लो, हैं? ये बाकियों को भी कंफ्यूज करोगे, पहले बात तो समझ लो जो मैं इधर समझा रहा हूं। यही जल्दबाजी करते हो तो फिर उधर भी गलतियां करते हो। अच्छा तो हमने जनरल बात क्या सीखी है, कि जब कोई चीज मालूम ना उसको सपोज करते हैं जी, पहले कर लिया सपोज। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ो, इधर देखना, 60 इज सबट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया, 60 इज सबट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया किस में से, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, देखना इधर, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, 60% पर सेंट ऑफ, आपको यूं लिखते हैं, आ नंबर दैट इज एक्स। ये सारा कुछ करने के बाद दिस इज इक्वल टू, कहते देन रिजल्टिंग नंबर इज 60। सारा कुछ करने के बाद 60 आ जाता है, जो उसने कहा हमने वही किया, बात समझे आप। देखें हमें सिर्फ लिखने का तरीका आता था, वो हमने वो तरीका इस्तेमाल किया है, बाकी तो वो जो कह रहा हम वो कर रहे हैं। 60 है सबट्रैक्टेड, 60 निकाला गया फ्रॉम किस में से, 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ, यूं ही लिखते हैं आप, आ नंबर दैट इज, कहते सारा कुछ करने के बाद देन रिजल्ट इज इक्वल टू 60। अब एक्स निकालना, बस ये जीरो कट गया इसके साथ, तो 6x/10 इज इक्वल टू 60। ये 60 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाए ना, इक्वल के एक तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो दूसरी तरफ ऐड हो जाती है, तो कर दिया ऐड, तो 6x/10 इज इक्वल टू 120। तो इसको मैं इधर लिख लूं, 6x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्यों 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ठीक है,
तो 6x इज इक्वल टू 1200, x निकालना है तो 1200 डिवाइडेड बाय 6, क्यों 6 एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो काट लो इसको क्या आएगा 2 एंड डबल 0 तो 200, तो x क्या चीज है नंबर ना, कह रहा था व्हाट इज द नंबर, तो निकाल लिया ना दैट इज 200, दैट इज 200। इज इट क्लियर, स्टेटमेंट समझे भाई? तो यूं हमने परसेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ना, वधी हुई तो स्टेटमेंट थी, लेकिन हमें लिखने का तरीका पता है किस तरह लिखना होता है। और एक नई बात भी सीखी है जो हमेशा मैथ में चलेगी, जनरल बात, क्या जब कोई चीज मालूम ना हो हम उसको सपोज कर लेते, स्टेटमेंट को सोल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हरीम फातिमा, आप ये जिस तरह मैं सॉल्व करता हूं ना बोर्ड पे, ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे सॉल्व करता हूं, इससे शॉर्ट नहीं करेंगे आप, अगर आप इससे शॉर्ट करेंगे तो फिर वो आपके नंबर भी शॉर्ट करेगा, ठीक है? कुछ भी चले, यहां तक सब लोगों को क्लियर? मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊं, नेक्स्ट अब आप लिखेंगे एग्जांपल नंबर थ्री, एग्जांपल नंबर थ्री, सुक्लियर नंबर आओ एग्जाम्पल थ्री, बहुत बकवास सभी भेजो दो, मैं तो चलू मेरे को एग्जाम्पल नंबर थ्री सब की पीएस लिखे एक और स्टेटमेंट, वो लेट कहते जी 15 liters, आप वो मिक्सचर मोटर में बंद कितने ना 15 liters ऑफ अ मिक्सचर नहीं कंटेन्स कंटेन्स 20% अल्कोहल, 20% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर वाटर विद ट्राइड नहीं बंद है, इफ 3 liters ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, इफ 3 liters ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, बी मिक्सड इन इट, What is the percentage of alcohol in the माल क्या मिलती होने वाले कितना माल? What is the percentage of alcohol in the new mixture? In the new mixture. 3 liter of water. जल्दी से स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो, अच्छा देखे ना वर्ड उसने परसेंट यूज किया ना, तो सॉल्यूशन में पहले कहते हैं मिक्सचर है, मिक्सचर तो हम जानते हैं यार कम से कम दो चीजें होती हैं, एक से तो ज्यादा होना तब मिक्सचर होता है, तो दो चीजों की बात कर रहा है, कहते हैं अल्कोहल है और क्या है जी वाटर है, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है वो तो है जी 15 liters, खुद बोला उसने, कहता है मिक्सचर किस किस का है, पानी है और शराब है,
कहता 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल है, हमें नहीं बताया कितना है अल्कोहल, कहता 20% है, परसेंट लिखना हमें आता है, बोर्ड पे देखो 20% कह रहे हो, 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर दैट इज 15 लीटर, काटो इसको 5 से, ये कट गए 3 से, तो 3 लीटर शराब निकली। उसने तो नहीं कहा था 3 लीटर, उसने कहा था 20% अल्कोहल है, हमें लिखना आता है परसेंट, वो लिखा उसको देख के देखा ना 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्स, तो पता चला ये 3 लीटर। यहां तक बात समझ गए, 20% अल्कोहल का, एंड रेस्ट इज वाटर, रेस्ट इज वाटर, देखें जी 3 लीटर शराब निकली, रेस्ट इज वाटर बोल रहा है, रेस्ट इज वाटर खुद बोल रहे ना, रेस्ट इज वाटर, 15 में से 3 लीटर शराब है तो बाकी कितना बच गया 12, तो पानी फिर 12 लीटर हुआ ना, पानी फिर 12 लीटर हुआ, ठीक है जी। फिर बोला इफ 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, 3 लीटर पानी इसमें जमा कर लें, ऐड कर लें, तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 में 3 जमा करें तो 15 लीटर, अब पानी हो गया जी 15 लीटर, तो नाउ वाटर इज 15 लीटर, वाटर इज 15 लीटर। सर आपने 15 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 बदर, मैंने तो किसी से नहीं मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर कह रही हो, 20% कह रहा था ना मिक्सचर का 20% शराब है, परसेंट को लिखा है सिर्फ 20% ऑफ, यूं ब्रैकेट्स लिखे हैं, टोटल मिक्सचर 15 लीटर, काटा है बस, कसरे काटी है ना, 5 आ गया, 5 को इससे डिवाइड हो रहा था ना 15, 5 से 3 आ गया ना जवाब, और तो कुछ नहीं किया मैंने, मुझे बताओ यहां तक बात समझ गए हो, जितनी बात हुई है यहां तक जी, अब हमें बोल रहे हैं कि पानी ऐड किया यानी उस मिक्सचर को डाइल्यूट कर दिया गया, अब हमें कहते हैं पहले वाले मिक्सचर में तो शराब का पता था 20% है, अब आप जरा नए वाले मिक्सर में निकाल के बताओ ना कितने परसेंट है, यानी जिसमें पानी और ऐड कर दिए हुए ना, पहले 12 लीटर तो पानी था ही और 3 लीटर शराब थी, टोटल 15 था, अब 3 लीटर पानी बीच में ऐड किया ना उस मिक्सर में, कहता है पानी और ऐड कर दिया, अब बताओ ना न्यू मिक्सर में क्या परसेंटेज बनेगी फिर उसकी, ठीक है, तो हमें पूछा परसेंटेज, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, आप ये फाइंड नाश्ता मंगवाया जनरल बात सीखे, आप सब ने अपनी डीएमसीज पे, अपने ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेजेस निकाली थी, ये साइंस वालों ने भी किया हुआ है और आर्ट्स वालों ने भी किया हुआ है, इसलिए मैंने वो वाली मिसाल दी, जरा याद करो आप अपनी डीएमसी पे ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते थे, ऊपर लिखते थे ऑब्टेंड मार्क्स, नीचे लिखते थे टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्टेंड मार्क्स, नीचे लिखते थे टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप सब ने किया है, साइंस वालों ने भी और आर्ट्स वालों ने भी, ठीक है, इसी मिसाल को बेस बनाते हैं ना, हम ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो ऊपर ऑब्टेंड मार्क्स लिखते थे, इसी मिसाल को जहन में रखते हुए आइंदा के लिए हम जनरलाइज कर लेते हैं, आइंदा जिस चीज की परसेंटेज हमसे मांगेगा उसको ऊपर लिखेंगे, आइंदा जिस चीज की परसेंटेज हमसे मांगेगा उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, जैसे ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो ऊपर ऑब्टेंड मार्क्स
डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई। मिसाल जहन में रखी है और जनरलाइज कर लिया। अब जिस चीज की परसेंटेज हमसे मांगे ऊपर ही लिखेंगे उसको। आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं अल्कोहल की, तो फिर ऊपर अल्कोहल लिखो ना। अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 है, यही करते थे ना। अब अल्कोहल कितनी है आपके पास, वो तो आपने ये निकाल लिया 3 लीटर है, डिवाइड ये वाला है। टोटल मिक्सचर कितना है, अब 15 लीटर पानी है तो 3 लीटर शराब भी तो है ना बीच में। 15 और 3 टोटल कितना हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपनी जगह मौजूद है। काटो इसको इसके 6 तो 100 डिवाइडेड बाय 6 कर लेना तो क्या आ जाएगा 16.66% हो जाएगा। बस तो नई बात भी एक सीख ली है कि जिस चीज की बस डेज निकालनी होती है फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया ना, उसको ऊपर लिखें। कभी ये फॉर्मूला भूल जाए आप अपने ऑब्टेन मार्क्स वाली वो डीएमसी वाली मिसाल देने में ले आएंगे, याद रहेगा। जी समझ गए यहाँ तक? जी हाँ सर समझ गए। एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर क्या बनती 4। देखें डिफरेंट स्टेटमेंट्स लेते जा रहे हैं, हर बार वो ट्रिक भी अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ फॉर्मूला भी सीख लिया है हमने, जो जो जनरल चीजें सीखनी थी वो भी सीखते जा रहे हैं साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ बंडल ऑफ पेंस रोज फ्रॉम 10% टू 15%। What is the percentage increase? What is the percentage increase? देखिएगा इधर क्या पूछ रहे हो, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज पूछा मुझे ना भाई। देखना इधर बोर्ड पे जरा इसी को अलग अलग कर, परसेंटेज इंक्रीज मतलब है इंक्रीज में परसेंटेज पूछ रहे हैं, इंक्रीज में परसेंटेज पूछ रहे हैं। अभी तो हमने एक बात जनरलाइज की थी ना कि जिस की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, जिस की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, ये बात हुई थी ना। और मैंने कहा था मार्क्स ऑब्टेंड की परसेंटेज निकालो, ऊपर ऑब्टेंड मार्क्स लिखे थे ना हमने, डिवाइड बाय ओरिजिनल या टोटल। आपने अभी शराब की परसेंटेज निकाली, ऊपर क्या अल्कोहल लिखी थी ना, जिस की परसेंटेज निकालते उसको ऊपर लिख रहे थे हर बार हमने ये। तो इधर इंक्रीज का कह रहा है उसमें परसेंटेज निकालो, तो इंक्रीज ऊपर लिखो ना, फिर डिक्रीज पूछेगा तो ऊपर डिक्रीज लिख देंगे, इंक्रीज में पूछ रहा तो ऊपर इंक्रीज लिखेंगे ना। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मल्टीप्लाइड बाय 100, इंक्रीज कितना आया है, कहता है 10% से 15, 10 टू 15 कितना परसेंट बना 5%। ओरिजिनल कितना है जी 10%, जहां से इंक्रीज आया मल्टीप्लाइड बाय 100 अपनी जगह मौजूद, कट जाएगा इसके साथ 2 और ये 50 है तो 50%। वही पहले वाला जो तीसरी एग्जांपल में कॉन्सेप्ट पड़ा वो दोबारा यूज हो गया ना, डिक्रीज कह दे तो ऊपर डिक्रीज लिख देना, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो जी,
बल्कि सीएसएस के पेपर से एग्जांपल ना दे दूं अब, एक सीएसएस के पेपर से एग्जांपल लिखो ना, सीएसएस के पेपर से एग्जांपल लिखो ना। एग्जांपल 5 है लेकिन सीएसएस के पेपर से दे रहा हूं ताकि आपको जरा अंदाजा हो ना पेपर का भी। आप लिख लें साथ रेफरेंस सीएसएस 17, सीएसएस 17 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए, सीएसएस 17 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए। 5% कहां से आया भाई? 5% से 15, 10% से 15% शायद इस तरह की स्टेटमेंट थी, अब मैंने रेस कर दी। तो 10 से 15 जाते हुए कितना इंक्रीज है? 5%। अच्छा जी, तो मैंने आपके सामने वाजे लिख दिया है जी, सीएसएस 17 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए, आप गूगल करके भी देख सकते हैं पास पेपर्स। जस्ट जरा सुन लो, मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया पेपर का, जस्ट जरा स्टेटमेंट सुनो। इधर जी कहते मेन प्राइस 500 पर के, कहता है 1 किलो गोश्त 500 का, 5 किलो खरीदता है। In addition to this, he has to pay a consumption tax of 6% on the selling price. Calculate total amount of money that he has to pay. मैं पूरी बात लिखता हूँ, देखना इधर। कहता है 1 kg मीट, 1 kg मीट वो 500 का है, बंदा खरीद रहा है 5 kg, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों तरफ। बंदा खरीद रहा है 5 kg, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। खराब कितना बन गया जी? 5 kg मीट कितना हो गया? कितने का हो गया जी? 2500 का। 5 kg मीट हो गया 2500 का। अब हमें कहते हैं और ये 2500 तो हर सूरत देगा ना, अगर गोश्त खाएगा 2500 तो देना पड़ेगा। कहते हैं इसके ऊपर वो 6% टैक्स भी देगा। अब बताओ कि ये ओरिजिनल 2500 तो ये तो देगा ही देगा, इसके ऊपर 6% टैक्स भी दे, टोटल कितनी रकम देगा ये आपसे पूछा है। यानी व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे, दैट ही हैज टू पे आफ्टर 6% टैक्स, 6% टैक्स। बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखो, 2500 तो वो हर सूरत दे रहा है, 2500 तो वो हर सूरत दे रहा है, वो तो ओरिजिनल प्राइस है ना गोश्त की। टैक्स दे रहा ऊपर, टैक्स तो जमा होता है ना, ना भी पता हो उसने, खुद जो कह दिया इन एडिशन टू दिस, खुद जो कह दिया है इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इसके ऊपर 6% टैक्स। बोर्ड पे देखो 6% टैक्स, परसेंट लिखना तो हमें आता है, 6% ऑफ, परसेंटेज तो किसी चीज की होती है, परसेंटेज तो किसी चीज की होती है, परसेंटेज ऑफ व्हाट, हमने तो यही पढ़ा था परसेंटेज किसी चीज की, परसेंटेज ऑफ व्हाट ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस, वो तो 2500 है। तो ये काट लो इसके साथ 20 के, तो 2500 प्लस 6 × 25 150 जमा करो 2650 रुपीस। ये सीएसएस का सवाल बताया ना मैंने, अपने पास से तो नहीं बताया, 5 नंबर का सवाल। ठीक हो गया जी? इज इट क्लियर? अभी हमारे पास टाइम है तो एक एग्जाम्पल और लिख लो, another example, let's take another example जी। यहां तक क्लियर है बातें? एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? लिखो जी एक और एग्जाम्पल लिखो फिर।
एग्जाम्पल नंबर 6 बन रही है। स्टेटमेंट है, अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ द टोटल वोट्स, 30% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इज, कॉमा लगाएंगे, इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट लेज। स्टेटमेंट लिखो, मैं समझा देता हूँ। लिख लिया, देखें जी, कहता है कैंडिडेट हू गेट्स 30% ऑफ द टोटल वोट्स, डू यू नो टोटल वोट्स पोल्ड, डू यू नो, वी डोंट नो यार, मैं आप लोगों को बताया है ना, कमेंट ना करना आंसर्स हैं, अगर किसी का बैकग्राउंड होगा मैथ का तो बाकी भी लोग हैं, कंफ्यूज होती है क्लास इससे, तो थोड़ा हौसला करो। 3% वोट कितने थे जरा, विनर था उनको 15,000 वोट ना डिफीट थे। अच्छा जी, वोट चुके हैं। हाँ, टोटल 3% टोटल वोट्स तो हमें पता ही नहीं, तो हमने तो जनरल पढ़ा था ना कि जब कोई चीज मालूम ना हो हम उसको सपोज करते ना, लेट इट बी एक्स। वो मैंने एक सवाल के लिए बताया था क्या, जनरल बात की थी ना, जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो हम उसको सपोज करते, तो नहीं पता टोटल वोट्स तो करें ना फिर सपोज, लेट टोटल वोट्स बी एक्स, ये तो जनरल रूल है। अब हम पढ़ते हैं जी, जो जो स्टेटमेंट देता है वो कहता है कैंडिडेट हू गेट्स 30% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, वो हार गया, इज डिफीटेड, तो आपने विनिंग के वोट्स निकालने, तो लिखो जरा वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट, वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट होंगे, कैसे लिखेंगे, 30% लिया ना आ रहा जो 30% ऑफ व्हाट टोटल वोट्स पोल्ड, कट गया तो क्या आया जी 3x/10, से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ए होने वोट, ठीक हो गया, वोट था डिफीटेड, हां वोट एन टोटल वोट, इक्वेशन वन मार्क कर दिए इसको, टोटल वोट थे है ना, और 15,000 वोट ना डिफीट थे, इन द वोट पहली लाइन का जो मतलब हमने समझा वो लिख दिया बस, मैनेज करने, और आपको कहता है फाइंड द वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट, तो आप लिखो ना जरा वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, 30% लेके तो हार गया वो, दूसरा क्या बचता है जीतने वाला, जा रहे हो अभी, जमा
इधर खड़ी, नीचे वो लगा होगा लॉक लगा है। अच्छा जी, तो वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट कितने होंगे जी? देखो 30% तो हारने वाला ले गया, तो फिर बाकी 70% ही बचता है। इसने फिर 70% लिए, 70% ऑफ टोटल एक्स कट गया, 7x/10। से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अगर दो से ज्यादा कैंडिडेट हुए तो वो बताएगा सवाल में, नहीं बताया अंडरस्टूड, एक जीतने वाला एक हारने वाला, दो ही है फिर। ठीक हो गया जी यहां तक? आपने निकालने क्या है, जीतने वाले के वोट्स निकालने हैं, वो तो आपके सामने पड़े हुए। मसला क्या है? मसला ये एक्स नहीं है हमारे पास, बस। और बाकी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक्स नहीं है ना। एक्स किसी तरह से आ जाए, एक्स किसी तरह से आ जाए, बस हम इधर वैल्यू पुट करें तो विनिंग के वोट्स हमारे सामने पड़े होंगे। मसला सारा एक्स का। तो अब हम यहां से आगे एक्स के लिए चल रहे हैं, तो फॉर एक्स ये मसला है ना, बाकी तो ये जीतने वाले के वोट्स ये पड़े 7x/10, 7 और 10 नंबर है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स नहीं है, एक्स के लिए चल रहा है। सीखने वाली बात है जी, एक्स, एक्स इज अननाउन, एक्स इज अननाउन। याद रखो मैथमेटिक्स में अननाउन हमेशा, जब भी फाइंड करोगे आपको इक्वेलिटी बनानी पड़ती है, और वो इक्वेलिटी के लिए कंडीशन सवाल में देगा। मैंने ये कहा, जब भी अननाउन फाइंड किया जाता है, जब भी मैथ में अननाउन फाइंड किया जाता है, आप पहले इक्वेलिटी बनाते हो, यानी हमें इक्वेलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू आती है इक्वेलिटी से भाई, वैल्यू आती है इक्वेलिटी से, तो पहले हमें इक्वेलिटी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं ना इक्वेलिटी, देखना जरा, जीतने और हारने वाले की बात हो रही है भाई, बोर्ड पे देखो, बाद में लिखो, जीतने और हारने वाले की बात हो रही है। हारने वाले के वोट कितने हैं? ये पहली लाइन में थे जी, 3x/10। और जीतने वाले के कितने जी? 7x/10। हम दोनों के दरमियान इक्वेलिटी बनाना चाहते हैं, इक्वेलिटी का मतलब तो ये इक्वल है, दोनों के दरमियान इक्वेलिटी बनाना चाहते हैं, बना दिए इक्वेलिटी, इक्वल लिख दिए, लेकिन ये इक्वेलिटी तो हो ही नहीं सकती। और भाई ये हारने वाले के वोट हैं, ये जीतने वाले के वोट हैं, ये कैसी इक्वेलिटी है? अगर इक्वेलिटी थी तो फिर हार जीत कैसी, फिर हार जीत कैसी अगर ये इक्वल ही थे? ये इक्वेलिटी तो हो ही नहीं सकती। एक सूरत में हो सकती है, क्या? हारने वाला जितने वोटों से हारा था वो उसकी तरफ जमा करो ताकि वो बढ़ के जीतने वाले के बराबर आए, और जितने वोटों से हारा था वो तो सवाल में दिए हुए ना, जितने वोटों से हारा था वो तो सवाल में दिए हुए ना, ये तो 15,000 वोटों से हारा था ना, इसकी तरफ जमा करो ना, ये 15,000 जमा कर दो, आप इक्वेलिटी होल्ड कर सकती है ना। और भाई जित हारने वाले की तरफ कम थी ना रकम, तो कॉमन सेंस भी कहती है जमा तो उधर करते होते हैं जिधर रकम कम हो, तो बस ये जमा किया हमने, हारने वाले की तरफ कम थे ना, वो जीतने वाले के बराबर आ गया। अब ये बराबरी बन गई है, हम बराबरी चाहते थे, हम इक्वेलिटी चाहते थे, हैं? तो इक्वेलिटी, ये स्टेप समझे आप, इक्वेलिटी चाहते ही किस लिए? वही वैल्यू जब भी निकालोगे इक्वेलिटी से निकलती है, इसलिए हम मैथ में इक्वेलिटी चाहते हैं ताकि वैल्यू आए ना, बस। आप तो सिंपल एक्स सेपरेट करना, और तो कुछ करना ही नहीं हमने, इज इट क्लियर? तो इक्वेलिटी चाहते हैं हम, वैल्यू निकाल, जैसे आप जनरल स्टडी में नहीं इक्वेलिटी चाहते हैं, तो मैथ्स में भी हम इक्वेलिटी चाहते हैं, ठीक है? और जमा उस तरफ करना हमेशा जिधर रकम कम हो, देखे ना उधर, तो जनरल स्टडी में भी आप इक्वेलिटी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, राइट्स किस तरफ जमा करने हैं? खवातीन की तरफ है, उधर काम है ना, उधर जमा कर, तो हमेशा जमा उस तरफ करना जिधर रकम कम हो भाई। और इस तरफ क्यों जमा करें हम, जिधर पहले ही ज्यादा है उधर क्यों जमा करें, और ज्यादा करना है? हम पहले बराबरी चाहते हैं, हम पहले इक्वेलिटी चाहते हैं, ताकि कम वाली साइड पे जमा करें, जमा हो के वो ज्यादा वाली साइड के बराबर आए, तो बराबरी से वैल्यू निकलती है, इक्वेलिटी से वैल्यू। बस ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। चाह पीना पेड़ा। अच्छा जी, बस आप एक्स सेपरेट करो ना, और तो कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, एक्स सेपरेट कर लो बस, इस स्टेप के बाद मैं इधर लिख देता हूँ। तो
15,000 इधर ही पड़ा रहे, 15,000 अपनी जगह पे है, राइट साइड पे 7x/10, ये पूरी एक रकम इक्वल के साथ एक तरफ ऐड हो रही है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट करो 3x/10। देखो ना फ्रैक्शंस आ गई है ना, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो मैंने कहा था एलसीएम लेना होता है, तो लो ना एलसीएम 10, ऊपर क्या आएगा 7x-3x, लेफ्ट साइड पे चल रहा है 15,000, तो ये क्या बनेगा 15,000 = 4x/10। तो हमें मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, 15,000 इधर 10 डिवाइड इधर लाके मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको इस तरफ लिख लूं तो ये बन जाएगा 4x = 15 और आगे 4 0, x निकाल लो ना 15, 4 0 है आगे, तो डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो क्या बनेंगे ये 3 7 5 0, x = 3 7 5 0 आ गया ना x, मसला ही इसका था। अब मैं बोल रहा था फाइंड द वोट्स ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, तो इसको कहां पुट करें भाई, ये मसला था ना x, ये है ना विनिंग के वोट्स, पुट 10 इक्वेशन नंबर 2, तो आंसर आ गया पुट 10 इक्वेशन नंबर 2। पुट इन 2, तो 2 इंप्लाइज वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट, वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट इक्वल टू, ये है ना 7x/10, 7/10 और x की जगह वैल्यू 3 7 5 0, और ये 1 0 काट गया, 7 को जरा दो ना 37 50 के साथ, बस आ जाएगा ना वोट्स ऑफ विनिंग, हैं समझ गए। अगर कहता हारने वाले के वोट्स निकालो तो हम इधर पुट कर देते ना x आए हुआ, अगर कहता टोटल निकालो तो बस x से आगे जाते ही ना x टोटल था ना, जो भी पूछेगा बताएंगे, मेरी बात समझे आप। बस भाई काफी हो गया है, अब आप अपने पास जरा लिखें, एक तो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है उसके लिए जो बुक में फॉलो करूंगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज बाय डॉक्टर आतिफ अली, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज बाय डॉक्टर आतिफ अली, साइंस वाले पोर्शन उसको फॉलो करूंगा मैं थॉरली, जितने सेक्शंस मैंने पढ़ाए ठीक है, और जो एबिलिटी वाला पोर्शन है 40 नंबर का, उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे अलग से, मैंने एबिलिटी के नोट्स बनाए हुए 40 मार्क्स के लिए, आप उसको कहेंगे फोटोकॉपियर को कि सर अजहर के जनरल एबिलिटी के नोट्स दे दो, अजहर मेरा ही नाम है, तो कहेंगे ना सर अजहर के जनरल एबिलिटी के नोट्स दे दो तो आपको दे, राइट। तो ये दो चीजें आप यूज कर लेंगे, एक बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज बाय डॉक्टर आतिफ अली, और दूसरे ये नोट्स से इस तरह के मिल जाएंगे आपको, ये पड़े होंगे इस तरह, तो फोटोकॉपियर को आप कहें तो वो भिजवा देता है, चूंकि आप ऑनलाइन वाले हैं ना तो वो भिजवाता है आपको खुद ही, फोटोकॉपियर आपको पहुंचा देता है ना, ये आलिया क्या नाम है आलिया फैम, नहीं सॉफ्ट में मेरे पास हैं भी नहीं, अगर हों भी तो एकेडमी की तरफ से अलो नहीं होते सॉफ्ट में मटेरियल हमें, ठीक है तो मेरे पास हैं भी नहीं है, हार्ड में पड़े, राइट। यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी चीजें आज पढ़ी हैं ये समझ आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने पास जरा एक पेज नंबर भी नोट करें प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा सवाल जी, नोट्स में पेज नंबर होगा 15 बल्कि 14, नोट्स में पेज नंबर 14 से लेकर 19 तक मैंने 8 मिसालें और हल करके दी हुई है, 8 मिसालें मैंने और हल करके दी हुई है, पहले लेक्चर फिर जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, और पेज नंबर 20 पे 5 सवाल अनसॉल्व भी छोड़ दिए गए आपके लिए, फिर वो भी करो ठीक हो गया, पहले लेक्चर फिर 8 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिए वो करोगे, 5 आपके लिए छोड़ दिए, कुछ तो आप भी कर लो ना, सीएसएस तो आप नहीं, सारे मैं नहीं करेंगे, हैं ठीक है।
होपफुली चीजें समझ आई होंगी, तो प्रैक्टिस करके आप आएंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड वन मोर थिंग, आप जब भी मेरे साथ सेकंड लेक्चर हो, कीप इन माइंड सेकंड लेक्चर में जितने कंटेंट्स मैंने पढ़ाने होते हैं उसमें से 10 से 15 नंबर का आता है पेपर में हर साल। तो आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर था ना, तो सेकंड लेक्चर में आपके पास समझने वाली चीजें हैं, तो आपका कभी कभी छुट्टी करने का भी मूड होता है, तो सेकंड लेक्चर जब भी मेरे साथ हो, चाहे 10 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, कल ही हो जाए, लेकिन सेकंड लेक्चर आपको मिस ना हो। राइट, ओके जी, गुड लक।